हाँ जी बेटे, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब मौज बाहर चल रही है मुंबई थाने। ये जो घुमा रहे हो फटाफट से चक्रव्यूह, घुमाना बंद कर दो। आइए मेरे साथ साथ आप लोगों को हमने ब्रांच की चर्चा कराई थी। ब्रांच के ऊपर हमने पिछली क्लास में कुछ स्टेप्स भी लिखवाए थे, हम उन स्टेप्स को आगे समझाएंगे। हाँ जी बेटे, रांची सब मजे में है और बाकी सब बेकार की बातें हैं। हाँ जरा चुपचाप काम करो। हमने पिछली क्लास में बेटे आपको कराई थी ब्रांच अकाउंटिंग, और ब्रांच अकाउंटिंग में हमने आपको क्या कराया था? हमने ब्रांच अकाउंटिंग में जो आपको कराया था वो क्या कराया था? नंबर वन, हमने आपको एक कसम खिलाई थी। बताओ क्या कसम खाई थी? कसमें तो तुम खा चुके, बताओ क्या कसमें खाई थी जरा फटाफट से बताओ। एक ही कसम खिलाई थी, वो कौन सी कसमी थी जरा फटाफट से बताओ। हाँ, स्वरूप नगर ने कहा हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों अलग अलग हैं। वेरी गुड, एक ही कसम खाई थी, हेड ऑफिस तथा ब्रांच दोनों हैं अलग अलग। फिर मैंने आपको बताए थे कि इन पर हम किस तरह से करते हैं इन कॉरपोरेशन के लिए क्या क्या काम था। सबसे पहले क्या करना है, हेड ऑफिस और ब्रांच के जो बैलेंसेस हैं इनको हम करेंगे क्या, इनको करेंगे रिकंसाइल। यानी सबसे पहले हम कहते थे इन दोनों को क्या कर दीजिए, रिकंसाइल। जब मैं इन्हें रिकंसाइल करता हूं तो जिसके यहां पर भी एंट्रियां होनी है, रिकंसिलेशन एंट्री तथा रिकंसिलेशन एंट्री, हम वो एंट्रियां डालेंगे। डल गई एंट्रियां, फिर उसके बाद अगला स्टेप भूल गया मैं। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता था? सबसे पहला स्टेप था रिकंसिलेशन का, अगला स्टेप कौन सा होता था? वेरी गुड मुंबई थाने, वेरी वेरी गुड मेरठ, वेरी वेरी गुड नालायक, और कोई नहीं बोला। चलो इसके बाद हम बनाते थे नंबर टू पर हम कहते थे अब हम इसके बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स। क्या क्या बनता था इसके फाइनल अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट्स, और क्या बनता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनता था? बैलेंस शीट, याद है क्या आपको? हाँ, और बनते थे ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट्स और बैलेंस शीट। ये था मेरा स्टेप नंबर टू। लेकिन इसमें कभी कभी खतरा होता था। क्या खतरा होता था? ये देखो, ये बनाया मैंने खतरे का निशान, खोपड़ी बनाई है, टैन 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 टैन। खतरा ये था उसके अंदर कि कभी कभी स्टॉक मिसिंग हो सकता था। अगर स्टॉक मिसिंग होता था तो हम क्या करते थे? स्टॉक अकाउंट बनाते थे, तो जाकर आपका काम होता था। याद आ रहा है आपको? इन्हें बनाते वक्त स्टॉक मिसिंग हो सकता था। बताओ इसके बाद क्या करते थे? उसके बाद बनाते थे हम स्टेप नंबर तीन पर क्या बनाते थे? हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट, हेड ऑफिस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अलग बनाएंगे उससे अगले स्टेप में। यहां पर भी काम करते करते हमें खतरा महसूस होता था तो हम क्या करते थे? हम यहां पर भी क्लोजिंग स्टॉक अगर मिसिंग है तो क्लोजिंग स्टॉक को हम ढूंढते थे। यहां पर भी स्टॉक मिसिंग हो सकता था, अभी तक हुआ नहीं, अगर होता तो हम स्टॉक अकाउंट यहां पर भी बनाते थे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते थे? बन गई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो मुझे बताओ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम पहले हेड ऑफिस के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज डाल देते थे और बाद में ब्रांच की बैलेंस शीट,
कि हम बारिश करते थे, ब्रांच का सारा सामान हम लोग यहां पर जोड़ लेते थे। याद आ रहा है आपको? हम कहते थे काश उसका सामान मेरा सामान हो जाए, हम उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अपने साथ ले लेते थे। अच्छा सर, सर क्या ये स्टेप हमारा नंबर 3 था? मैंने कहा हाँ। तो क्या ये हमारा स्टेप नंबर 4 था? हाँ। फिर मैंने आपको बताया था कि इसे बनाना ही हमारा मुख्य काम होता है, बस और कुछ नहीं होता। आपको सारे के सारे स्टेप्स मैंने किसी और प्रकार से समझाए, समझ में आ गए बेटे आपको? हाँ। नागपुर कह रहे हैं इसे मेल कर दो। कैसी कैसी बात करते हो, इसमें कोई मेल करने वाली बात ही नहीं है। ये देखो मैंने आपको पिछली क्लास में प्रिंट आउट लिया था, मैं आपको वो प्रिंट आउट दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपको मैंने सारे स्टेप्स पिछली क्लास में लिखवाए हैं, इसलिए इनको दोबारा लिखने की आवश्यकता थोड़ना है आपको। अच्छा चलो आगे चलते हैं। रोहतक कह रहे हैं अब तो जाकर समझ में आया है, नालायक अब तुमको समझ में आया है, कैसी कैसी बात करते हो। अजमेर बेटे, ब्रांचेस चूंकि कंपनी नहीं है, इस पे कोई शेड्यूल 6 की बात ही नहीं है, इसलिए मौज करिए, शेड्यूल 6 का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बोलो हाजरा सिरसा में वीडियो प्रॉब्लम आ रही है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आओ जरा मेरे साथ साथ, हम आज आपको आगे लेकर चलते हैं। सर सर आज की क्लास का टारगेट बताओ, क्या करोगे पढ़कर? हैं कुछ पढ़ाऊं क्या आपको? नहीं पढ़ना चाहते हो, बस सवाल ही करना चाहते हो? हाँ तो ठीक है, आज का काम सवालों के साथ बस। बेटे तुमने मांगा भी तो क्या ये कि सर आज हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ सवाल करेंगे, और तुम्हारी बात मैं ना मानूं ऐसा हो ही नहीं सकता है। आओ मेरे साथ साथ हम जरा सवालों पर चलें और हम सवाल करें। ठीक है सर, सवाल कराओ। सर हमको ना होमवर्क पक्का देना, आप होमवर्क नहीं देते तो हम पढ़ते नहीं है। वेरी गुड, होमवर्क पक्का पक्का मिलना चाहिए आप लोगों को। आइए मेरे साथ साथ जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर सिक्स पेज नंबर 2.9 मुंबई बोरीवली, बातचीत बंद, आखिरी में बैठे हुए लाल शर्ट वाले बच्चे और उससे अगली रो में बैठे हुए एक और बच्चे, सारे बच्चे सीधे सीधे देखेंगे। आओ क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 2.9। अच्छा, रिंग बेल लिमिटेड दिल्ली हैज अ ब्रांच एट बॉम्बे वेयर अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज यूज्ड। कोई कंपनी का नाम है रिंग बेल लिमिटेड, दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है और उसकी ब्रांच कहां पर है? बॉम्बे में है, जहां सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखी जाती हैं। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं सर 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 हमारे पास किताब नहीं है। तो कोई बात नहीं, जिनके पास किताब नहीं है मैं उनको हल्का हल्का सवाल लिखवाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 2.9 हाँ बेटे करनाल में शर्त हार गया था इसलिए दाढ़ी कटवा ली है, एक और शर्त हार जाऊंगा तो मुझे भी कटवा लूंगा मैं, चिंता मत करो। आओ, रिंग बेल लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट बॉम्बे, तो कंपनी का नाम है रिंग बेल लिमिटेड, कहां पर है ये? दिल्ली हैज अ ब्रांच एट बॉम्बे, तो ये आ गई बॉम्बे ब्रांच। और वो क्या कह रहा है? वेयर आर सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, बॉम्बे ब्रांच में सेपरेट बुक्स बनाई जाती है। बताना इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्रांच इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, फटाफट से बताओ। वेरी गुड, कानपुर मॉल रोड, यहां पर जब सेपरेट बुक्स हैं तो ये पक्की बात है ब्रांच हमारे पास क्या होगी? इंडिपेंडेंट। वैसे कॉमन सेंस लगाएंगे, जिसका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वो सारी की सारी ब्रांचेस कौन सी होंगी? इंडिपेंडेंट ही होंगी, क्योंकि सवाल में ट्रायल दे रखा है, हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ब्रांच का भी ट्रायल बैलेंस दे रखा है। बेटे ब्रांच का ट्रायल बैलेंस होना खुद में एक सबूत है कि ब्रांच इंडिपेंडेंट है।
चलो ठीक है सर, आगे चलते हैं, अगला पन्ना पलटते हैं जरा। चलो इसमें एक बैलेंस बता दूं, यहां पर हमारे पास ब्रांच का बैलेंस आ रहा है, ब्रांच का बैलेंस आ रहा है 133710 डेबिट बैलेंस। हे प्रभु जी, हे प्रभु जी, इसके अंदर हेड ऑफिस का बैलेंस जो आए काश इतना ही उल्टा आए। ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटे, इसका बैलेंस डेबिट तो इसका बैलेंस क्रेडिट हो गया। इसका मतलब क्या मुझे रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी? हाँ, मुझे रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी अपने पास। आओ आगे चलते हैं। वैसे इन दोनों का डिफरेंस बताना मुझे, कितना डिफरेंस आता है? मुंबई थाने कह रहे हैं 4700, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4700। और आगे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इसके बाद, द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेज ऑफ करंट अकाउंट इन द टू सेट्स ऑफ बुक्स इज अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। कह रहे हैं ये डिफरेंस की वजह क्या है। कैश रेमिटेड बाय द ब्रांच ऑन 31st of December, कैश जा रहा है, कहां से कैश जा रहा है? कैश रेमिटेड बाय द ब्रांच, ये जा रहा है कैश। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, और रुक जाओ डाकिया, यहीं रुक जाओ, हेड ऑफिस तक पहुंचा नहीं कैश, ब्रांच ने कैश भेजा, हेड ऑफिस तक पहुंचा नहीं। कितने रुपए? 3000। लो बेटे, 3000 का अंतर तो मिल गया। तो 3000 का अंतर किस चीज का है? कैश इन ट्रांजिट का है। स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से स्टॉक चोरी हो गया। लो बेटे, हेड ऑफिस से देर रात चोर आए और चोर सामान लेके चले गए। वो कहता है स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट, हम कहीं माल को भेज रहे थे, भेज तो कहीं और रहे थे, लेकिन रास्ते में चोरी हो गया। चलो अब डाकिया डाक क्या लाएगा, चोरी हो गया माल, तो स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने तो एंट्री दिखा दी कि मैंने ब्रांच को दिया हुआ है, ब्रांच को माल मिला नहीं क्योंकि चोरी हो गया। तो साहब हेड ऑफिस के यहां से तो माल ठीक जा रहा था, रस्ते में डाकिये ने चोरी कर ली है। अब देखना यह है कि क्या होता है। बट नॉट क्रेडिटेड इन द ब्रांच, ब्रांच बुक्स में अभी उसका कुछ हुआ नहीं। एज द मैनेजर डिक्लाइंड टू एडमिट एनी लायबिलिटी, वो कह रहा अभी तक मेरा पास माल आया नहीं है, मैंने एंट्री नहीं डाली है और ये इंश्योरेंस भी नहीं हो रखा था 1700 का। करना क्या है वो आपकी समस्या है। एक बात पक्की है, 4700 का डिफरेंस टैली हो गया, 4700 का डिफरेंस खत्म हो गया, क्योंकि डिफरेंस जो था वो सिर्फ यही था। और क्या है क्वेश्चन पढ़े, गिव ब्रांच करंट अकाउंट। कहता है जी ब्रांच का करंट अकाउंट बनाइए। इसका मतलब हमको ब्रांच करंट अकाउंट मांगा है। अब ये कैसे बनाते हैं मुझे पता नहीं। उसने ब्रांच करंट अकाउंट मांगा है, मतलब ब्रांच करंट, बेटे ब्रांच अकाउंट को करंट ही बोलते हैं, करंट होता है बड़ा सारा डे टू डे ट्रांजेक्शन का खाता। तो हमारे लिए ब्रांच अकाउंट मांगा है एक तो उसने, और उसने क्या मांगा आपसे, इन दी हेड ऑफिस बुक्स ऑल्सो प्रिपेयर द कंपनीज बैलेंस शीट, और कंपनी की बैलेंस शीट मांगी है। यहां तक सौ में आती है बात? हाँ जी, यहां तक तो सौ में आती है। अब मुझे फटाफट से बताइए, मुझे इस सवाल का अगर आंसर करना हो तो मुझे आंसर के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं करूंगा रिकंसिलिएशन, फिर मैं बनाऊंगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ ब्रांच, फिर मैं बनाऊंगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ हेड ऑफिस बैलेंस शीट अलग से बनाऊंगा, और साथ में उसकी इनकॉर्पोरेशन कर दूंगा। बस ये चार काम करने हैं और कुछ नहीं करना है। आइए सबसे पहले रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं, फटाफट से हम रिकंसिलिएशन करके देखें इसकी। तो मेरे साथ साथ यहां पर मैं लिखता हूं, ये लीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 6, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, रिकंसिलिएशन एंट्री हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं, रिकंसिलिएशन एंट्री।
हम सारा सबसे पहले ये काम करेंगे। तो रिकंसिलेशन के अंदर सबसे पहले तो एक साहब कैश इन ट्रांजिट की एंट्री आ रही है। अब जरा फटाफट से मुझे बताते जाना बेटे, रिकंसिलेशन एंट्री में ये बताओ, कैश चल पड़ा ब्रांच से हेड ऑफिस की तरफ, तो कौन इसकी एंट्री डालेगा, हेड ऑफिस या ब्रांच? इसने तो एंट्री कर दी, इसके पास क्या एंट्री होगी, कौन एंट्री डालेगा इसमें, पहले तो ये बताओ। वेरी गुड कानपुर माल रोड अलवर, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो ये एंट्री होगी साहब। गलत कह रहे हैं साहब, पीतमपुरा नालायक, पीतमपुरा जब इन्होंने कैश भेज दिया तो इन्होंने एंट्री कर दी है, तो कौन एंट्री डालेंगे, ये लोग एंट्री डालेंगे, इनके यहां पर एंट्री होगी। ठीक है बेटे, पीतमपुरा कोहाट, इंदौर कैसी कैसी बात कर रहे हैं, इंदौर कह रहे हैं गाने चला दीजिए, इंदौर बेटे तुम्हारी तबीयत ठीक है, गाने चला दीजिए। यहां लिखिए कैश इन ट्रांजिट, अकाउंट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ये एंट्री डालेगा जी हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को 3000 पे अगर मिल जाते तो वो क्या एंट्री डालता बेटे, अगर 3000 मिल जाते तो क्या लिखता, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अगर हेड ऑफिस को 3000 मिल जाते तो एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, नहीं मिले तो क्या लिख दिया, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, लिखें इसके अंदर बीइंग कैश इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड। हां जी, मुंबई थाने सब सेस वेस चल रहा है, एनआईटी फरीदाबाद आपका भी सेस चल रहा है, इसके अलावा पटना स्वरूप नगर जनकपुरी आगरा आपका भी सेस चल रहा है, सेस को लेकर चिंतित ना हो और इधर सिर्फ ध्यान दे। अब मुझे दूसरी एंट्री आपने बतानी है साहब, बड़ी मजेदार एंट्री है, दूसरी एंट्री को आराम से सोच कर बताना है आपने। इधर देखें, सिलीगुड़ी सबका सेस चल रहा है, नालायक सब पूछ रहे हैं सेस हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा, आंसर बताओ यहां पर, अभी पता चल जाएगा सेस चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये बताओ 1700 का सामान हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, ठीक है करनाल जी, आप किताब से आंसर लिखकर भेज रहे हैं, इधर ध्यान दें, हेड ऑफिस ने 1700 रुपए के सामान भेजा, इन्होंने एंट्री कर दी, रास्ते में चोरी हो गई। अब साहब चोरी का नुकसान कोई ना कोई तो उठाएगा ना, थेफ्ट का लॉस कोई ना कोई तो उठाएगा, या हेड ऑफिस उठाएगा या ब्रांच उठाएगी, वो लॉस कोई ना कोई तो बियर करेगा। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप किसके यहां बियर कराना चाहते हैं। उसने वैसे ये लिखा है कि ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन कर रहा है, वो मना कर रहा है मेरे यहां मत डालिए, आप फिर भी उसके यहां नुकसान डाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप ब्रांच को भी नुकसान दे सकते हैं, हेड ऑफिस को भी दे सकते हैं, क्योंकि इस नुकसान किसी ना किसी को उठाना है। सर पर उसने लिखा है ना कि ब्रांच डिक्लाइन कर रही, वो तो कह रहा है ब्रांच डिक्लाइन कर रही थी क्योंकि वो मान नहीं रही थी, बट अल्टीमेट अब आप जो फाइनल करेंगे उसके अनुसार होगा। मुझे जरा फटाफट से बताएं, अगर मान लीजिए, जरा मेरे साथ साथ देखें, हेड ऑफिस से गुड्स जा रहे हैं, हेड ऑफिस से ब्रांच में गुड्स जा रहे हैं, जब इन्होंने गुड्स भेजे होंगे तो एंट्री क्या डाली होगी, इन्होंने एंट्री लिखी होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट, ध्यान रखना गुड्स सेंट माने सेल, मतलब पी एंड एल, अल्टीमेटली गुड्स सेंट हमारी इनकम है। मैं कह रहा हूं ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट, ये एक चॉइस है, ये इन्होंने एंट्री डाल दी थी, इन्होंने डाली नहीं है, या तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि इसके पास वो एंट्री डलवा दो या इसके यहां एंट्री रिवर्स करा दो, दोनों में से कोई भी काम करें, बोथ आंसर आर करेक्ट। मुझे फटाफट से बताइए, मेरठ कह रहे हैं सर ब्रांच के पास गुड्स पहुंचे नहीं है, बेटे वो मेरी बात सुनना, जैसे मैं मेरठ आपको कुछ गुड्स भेजता हूं तो ऐसा हो सकता है ना, मैं कह सकता हूं साहब मैं अपने यहां से डिलीवर कर दूंगा, रिस्क आपका है चोरी हो गया तो, ऐसा हो सकता है ना, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मिलने के बाद ही नुकसान आपका होगा, हेंस बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। वन ऑप्शन इज कि मैंने गुड्स आपको भेज दिए,
तो मैंने एंट्री डाल दी है, आप एंट्री डाल दो, आप चोरी की एंट्री डाल दो, बात खत्म। और ऑल्टरनेटिवली मैंने गुड्स भेजने की एंट्री डाली थी, मैं उसे हटा देता हूं कि चलो ठीक है माल चोरी हो गया, मुझे एंट्री डालनी नहीं है। बोथ एंट्रीज आर करेक्ट, मैं दोनों डालकर दिखाऊंगा, फिर आपसे चॉइस ले लूंगा मैं। तो भाई इन्होंने ये एंट्री डाल दी है, दिस एंट्री हैज बीन डन, तो चॉइस वन क्या है? चॉइस वन है कि मैं ब्रांच क्या पर एंट्री डालता हूं, और ब्रांच क्या पर क्या होगा? पहले लिखते थे गुड्स इन ट्रांजिट, अब लिख रहा हूं लॉस इन ट्रांजिट, कि मेरा नुकसान हो गया। लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, भाई ठीक है गुड्स इन ट्रांजिट आते तो ठीक था, अब लॉस हो गया तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। कि ऐसे कर दीजिए, इसने माल भेज दिया, इसने चोरी की एंट्री डाल दी। और ऑल्टरनेटिवली दूसरी चॉइस बी, चॉइस बी है कि भाई आप इसके यहां पर कुछ मत करिए, आपने जो एंट्री डाल रखी थी उसको कैंसिल कर दीजिए। इसका मतलब ये कि ब्रांच अकाउंट जो यहां डेबिट था उसे क्रेडिट कर दीजिए, हमने पहले सेल दिखाई थी अब आप लॉस दिखा दीजिए, लॉस इन ट्रांजिट। आप कह दीजिए कि लॉस इन ट्रांजिट हो गया, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। आप इनमें से कोई सी भी एंट्री कर सकते हैं, ब्रांच की बुक्स में ये एंट्री कर सकते हैं कि हेड ऑफिस बुक्स में ये एंट्री कर सकते हैं, बोथ आर इक्वली गुड एंड इक्वली करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिरसा ऐसे मैं नहीं कह सकता, आप कह रहे हैं जी ब्रांच तो बियर करेगी नहीं, आप मुझसे प्यार से कहें सर सर ब्रांच को नुकसान मत दो, हेड ऑफिस को दे दो, तो मैं मान जाऊंगा। अन्यथा ये कहना कि ब्रांच तो बियर करेगी नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये बात मेरे लिए इमेटेरियल है। एक बात बताइए, मेरी ब्रांच पर नुकसान हो जाए तो ब्रांच बियर नहीं करेगी, हाउ डज इट मैटर? ब्रांच बियर नहीं करेगी तो एचओ बियर करेगा, है तो अल्टीमेटली एक, इसलिए उन दोनों में कोई अंतर थोड़ना है। वो तो हमने अकाउंटिंग के लिए दोनों को अलग अलग बना रखा है, अलग अलग है थोड़ना। इसलिए ये कहना कि ब्रांच बियर नहीं करेगी, वो कैसे बियर कर सकती है? तो आप ये भी बात ध्यान रखना, अकाउंटिंग के लिए दोनों अलग हैं, लेकिन असल में तो एक ही है, असल में तो हेड ऑफिस और ब्रांच अलग थोड़ना है, इसलिए मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। डिब्रूगढ़ कह रहे हैं सर आधा आधा कर दो, वो कुछ ज्यादा हो जाएगी। और क्वेश्चन में लिखा है कि ब्रांच बियर नहीं करेगी, ऐसा पार्क एंड नहीं लिखा हुआ, पढ़िए क्वेश्चन में, उसने लिखा है एंट्री क्यों नहीं डाली। देखो यहां पढ़ो क्या कह रहे हैं, हाँ इधर आइए देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट, स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट एंड चार्ज टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन ब्रांच बुक्स। कहता है इसकी एंट्री क्रेडिट नहीं कर रखी ब्रांच बुक्स में, एज दी क्योंकि क्योंकि मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट लायबिलिटी, एंट्री नहीं की उसकी ये वजह। ये नहीं कह रहा कि आपने डालनी नहीं है, उसने कहा एंट्री नहीं डाली क्योंकि वो मान नहीं रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से उन्हें बोलना वीडियो क्वालिटी को लेकर आज कुछ बच्चे दिक्कत बता रहे हैं, जरा बाहर कौन है उनको बताइए फटाफट से। क्या फिर से मेरी शर्ट का चक्कर है क्या? अरे बाप रे बाप, एक तो ना मेरे को शर्ट खरीदनी पड़ ही जाएंगी, देखना आनंद फानंद में कहां पर है। बच्चे बता रहे हैं आज वीडियो क्वालिटी में कुछ परेशानी आ रही है, अगर ऐसा है तो फिर मैं कुछ शर्ट खरीदूं जाकर। लो बेटे अब देखना जरा फिर से, हाँ नहीं नहीं अब बच्चे कह रहे हैं कोट पहन लो, कोई बात नहीं कोई पायो कोई बात नहीं। अच्छा मैं एक मिनट के लिए वैसे ऐसे चल रहा हूं तो देखो स्क्रीन खराब हो रही है क्या? क्या फटाफट से अभिलाष बताओ स्क्रीन खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? रोहतक कह रहे हैं नहीं हो रही है, मेरे ख्याल से तो शर्ट का प्रॉब्लम है। एक बार कोई जिसने प्लेन शर्ट पहनी उसे भी हिलाकर देख लो कि मेरे को आप शर्ट खरीदवा दो। दो मिनट रुकना जरा मैं टेस्टिंग कर लू ना, फिर ऐसे पता चला। हाँ हाँ ग्रीन नहीं, अच्छा चलो ठीक है आप यहाँ आ जाओ और आप हिलते रहेंगे ऐसे ऐसे जैसे मैं हिलकर दिखा रहा था। चेक करो जरा वहां पर,
अब ठीक है, मैं शर्ट का दिक्कत है क्या? चलो ठीक है फिर। चलो बेटे अब ऐसा है, आज जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो मेरी शर्ट से है, तो अब आप, मैं शर्ट बेटे अब तो चेंज नहीं कर सकता, अब जैसा भी है चला लो काम आज, ठीक है। मैं अब शर्ट में फिर समझ गया कि इन्होंने कहा तो था, लेकिन इन्होंने कहा था डार्क शर्ट, अब इसमें स्ट्राइप्स हैं इसलिए दिक्कत आ रही है। चलो तो मैं आपसे कह रहा था कि हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे तो ब्रांच के पास ये एंट्री हो सकती है कि इसके पास हो सकती है, दोनों में चॉइस है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताइए किसकी बुक्स में एंट्री डालना चाहते हैं, मैं उसकी बुक्स में एंट्री डालने के लिए तैयार हूं। हाँ जी, लेकिन अभी कोई बता ही नहीं रहे किसकी बुक्स में एंट्री डालना चाहते हो। मेरठ कह रहे हैं हेड ऑफिस गुवाहाटी, सब कह रहे हैं जी हेड ऑफिस। ओके, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के एंट्री डालेगा, वो कहेगा लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 1700 टू ब्रांच। वो कहता है जी मेरे को नुकसान हो गया और ब्रांच से पैसे मिलने थे, मिलेंगे नहीं, यानी गुड्स चोरी हो गए, लॉस हो गया, और ब्रांच से पहले पैसे लेने थे, अब ब्रांच से मिलेंगे नहीं, बीइंग लॉस इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड, हमने लॉस इन ट्रांजिट रिकॉर्ड कर दिया। कानपुर बेटे एंट्री खुद बनाओ कैश इन ट्रांजिट वाली, वो रिवर्स कैसे हो जाएगी, यही तो आएगी जो मैं करके दिखा रहा हूं आपको अपने पास। विलई बेटे ये जो वीडियो अटक अटक कर आ रहा है वो होता क्या है, वो बताते हैं कि कैमरा इन स्ट्राइप्स के अंदर आकर कंफ्यूज हो जाता है, वो इमेज की ठीक क्वालिटी नहीं भेज पाता, इसलिए दिक्कत है। तो आज वीडियो को लेकर जो थोड़ी बहुत दिक्कत है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आगे मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि मैं ऐसी शर्ट बिल्कुल ना पहन कर आऊं जिससे आप लोगों को दिक्कत हो। आइए हम इसके बाद बताएं, इसके बाद वर्किंग नोट नंबर टू किसका होता है। वर्किंग नोट नंबर टू होता है फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ ब्रांच। अब मैं ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रहा हूं, आइए मेरे साथ साथ जरा फटाफट से देखते हैं ब्रांच के फाइनल अकाउंट। साहब ब्रांच का ट्रायल बैलेंस देखो, खान दिखाना जरा ब्रांच का ट्रायल बैलेंस, ये है ब्रांच का ट्रायल बैलेंस, सिर्फ इतना सा है ब्रांच का ट्रायल बैलेंस बस। इसमें क्या क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, ओ माय गॉड, प्रॉफिट पहले से ही दिया हुआ है, उसने प्रॉफिट पहले से ही निकाल कर दे दिया, आपकी तो लॉटरी लग गई हमारे पास कि प्रॉफिट कितना कितना है। जब प्रॉफिट दे दिया तो झंझट खत्म हो गया स्टॉक का, क्योंकि अब स्टॉक की आवश्यकता ही खत्म जब उसने आपको प्रॉफिट ही दे दिया। फिर स्टॉक बता रखे हैं, डेटर क्रेडिटर्स बता रखे हैं, कैश बता रखे हैं, एडवाइस बता रखे हैं। बेटे ये 10,400 जो यहां लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा नीचे ले लो, क्रेडिटर्स के सामने ले लो, क्रेडिटर्स के सामने ले लो 10,400, यानी ये 10,400 जो है ये क्रेडिटर्स के सामने ले आए, बैंक बैलेंस और हेड ऑफिस का बैलेंस आगे भैया। अच्छा अब मैं आपसे फाइनल अकाउंट बनवा रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ब्रांच, उसे ना बनाएं, सिंस प्रॉफिट हैज बीन गिवन, उसने प्रॉफिट निकाल कर दे दिया इसलिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये बन गई ब्रांच की बैलेंस शीट। अब मैं सीधे सीधे बनाऊंगा ब्रांच की बैलेंस शीट, फटाफट से आ जाइए ब्रांच की बैलेंस शीट बनवाना शुरू कर दीजिए। तो ब्रांच की बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आएगा जी, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स 95,000, दूसरा है जी प्रॉफिट फॉर 2002 31,700, प्रॉफिट दे रखा है तो आप भी यहां लिख दें प्रॉफिट 31,700। फिर उसके बाद है स्टॉक, साहब चूंकि स्टॉक हमारे पास ये जो होगा क्लोजिंग स्टॉक होगा बिकॉज प्रॉफिट निकाल चुके हैं हम लोग 50,460, ओपनिंग स्टॉक होता तो वो तो ऑलरेडी जा चुका होता ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस कितना है 19,000,
100 और क्रेडिटर्स का बैलेंस आ रहा है, क्रेडिटर्स का बैलेंस आ रहा है 10,400। फिर उसके बाद हमारे पास कैश बैलेंस भी आ रहा है, कैश बैलेंस आ रहा है हमारे पास 6550 और हेड ऑफिस का करंट अकाउंट का बैलेंस है 129010। हेड ऑफिस का बैलेंस हमारे पास आ गया, यहां पर हेड ऑफिस का बैलेंस है 129010। ये बैलेंस चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो रिकंसिलेशन एंट्रीज हैं ये दोनों हेड ऑफिस की हैं, तो ब्रांच की बुक्स में ये दोनों एंट्रीज का इफेक्ट नहीं आएगा। हम सिर्फ इसको अब टैली कराएंगे और इसे टैली करा कर देखते हैं कि कितना कितना टोटल आता है। जरा फटाफट से देखते हैं कितना आएगा, 129010 प्लस 31700 प्लस 10400 इज इक्वल टू 171110 माइनस 95000 माइनस 50460 माइनस 19100 माइनस 6550 टोटल हो गया बराबर 171110। लो जी, ये मैंने काम कर दिया है। उन्हें बोलो सर ठीक करेंगे। अलवर बेटे, अगर ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में होता तो फिर प्रॉफिट कैसे निकाल लिया उसने? जरा बताइए साहब, थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाएं कि अगर मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में है तो फिर प्रॉफिट कैसे निकाल रखा है? प्रॉफिट निकाल रखा है तो ओपनिंग स्टॉक यूज हो गया होगा, तो ये कौन सा स्टॉक होगा? दिस शुड बी क्लोजिंग स्टॉक। फाइनल अकाउंट बन गए, मुझे इसके बाद बताएं, इसके बाद हम अगला वर्किंग नोट किसका बनाएंगे? अगला वर्किंग नोट होगा वर्किंग नोट नंबर थ्री। अमरावती बेटे, हमने जो ट्रांजिट की एंट्रियां डाली हैं उसका इफेक्ट नहीं आएगा। यहां देखें अमरावती, ये दोनों एंट्रियां हेड ऑफिस की बुक्स में जाएंगी, तो ब्रांच की बुक्स में ये दोनों एंट्री नहीं जाएंगी, हैंस प्रॉफिट विल नॉट चेंज। प्रॉफिट तब चेंज होता अगर ये एंट्री आप ब्रांच की बुक्स में डाल रहे होते। तो आइए जी, हेड ऑफिस की बात करते हैं और हेड ऑफिस के लिए अकाउंट सोचते हैं। पहले चेक कर लें हेड ऑफिस के यहां बनना क्या क्या है। हेड ऑफिस के यहां पर एक तो है शेयर कैपिटल, उसके अलावा है इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, इंटेरिम डिविडेंड का बैलेंस दिया हुआ है, जनरल रिजर्व का बैलेंस है, फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर्स क्रेडिटर्स हैं, प्रॉफिट दिया हुआ है यहां पर भी, और कैश बैलेंस है, और ब्रांच करंट अकाउंट का बैलेंस है। तो अब मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं अपने पास फाइनल अकाउंट्स ऑफ हेड ऑफिस। तो भाई इसके अंदर फाइनल अकाउंट्स में जो मुझे आइटम दिख रही हैं वो एक तो दिख रही हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इंटेरिम डिविडेंड दिख रहा है। जरा मेरे साथ साथ देखें, सवाल में देखें, हमारे को इंटेरिम डिविडेंड दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, इसका मतलब ये कि हमें क्या बनाना चाहिए इसके लिए? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके बाद मेरा मेन सॉल्यूशन शुरू हो गया। मेन सॉल्यूशन क्या है? मेन सॉल्यूशन आ गया, दिस इज आवर मेन सॉल्यूशन, ये है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये स्टेप मैंने साथ में ही मिला दिया कि ये फाइनल अकाउंट बनाने हैं और बनानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो मेरे साथ साथ बेटे करनाल में कोई दिक्कत है? खान जरा उन्हें बताओ करनाल में प्लीज चेक करें, कोई इश्यू चल रहा है वहां पे? हाँ जी बताते जाना बेटे। सबसे पहले मुझे फटाफट से बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख कहाँ जाएगी? जल्दी जल्दी बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास 8 लाख रुपीस कहां पर जाएगी? फटाफट से बताएं। हाँ जी बेटे, को हार्ट अगर कुछ इफेक्ट डालना होता तो हम डाल के भी कर सकते थे, लॉस इन ट्रांजिट की एंट्री डाल सकते थे। शेयर कैपिटल यहां लिखेंगे अपने पास ऑथराइज्ड, शेयर कैपिटल 10,000, शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, तो ये कितना हो गया 10 लाख। फिर आ गई इश्यूड शेयर कैपिटल 8 लाख। बेटे फाइनल अकाउंट पूछ रहा हूं, मुझे जरा फटाफट से बताते जाना क्या करना है। अंबाला बेटे अभी करेंगे, चिंता मत करो, छोड़ेंगे नहीं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ये आ गया हमारे पास एप्रोप्रिएशन में बाय बैलेंस बीडी 25310। हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी लिख दिया। बेटे ये प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा 11202 का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये अंबाला वही लिखा हमने। फिर उसके बाद इंटेरिम डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड हमारा एप्रोप्रिएशन में आएगा। इंटेरिम डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड मतलब प्रॉफिट बांट दिया, तो कितने का इंटेरिम डिविडेंड पेड है? इंटेरिम डिविडेंड पेड है ₹30,000। दिस इज इंटेरिम डिविडेंड पेड, ये हमने अपना इंटेरिम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जाएगा बैलेंस शीट में, ये आ गया जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व ट्रायल में आ रहा है, मतलब ये हमारे पास पहले से बना पड़ा है क्रेडिट बैलेंस। जनरल रिजर्व हमने जनरल रिजर्व भी लिख दिया। बेटे एक एक आइटम ट्रायल में ढूंढ ढूंढ के डालनी है। फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस आ गया बैलेंस शीट में। अब ध्यान से देखना मैं कैसे लिखता हूं, इसे रखूंगा मैं इनर कॉलम में 530, इसे इनर कॉलम में इसलिए रखूंगा क्योंकि मैंने बाद में सपने लेने हैं, मुझे पड़ोसी की संपत्ति अपनी करनी है, इसलिए फिक्स सेट्स में उसकी संपत्ति जुड़नी है, तो आपको नजर रखनी पड़ेगी उन चीजों के ऊपर जो चीजें आपको यहां जोड़नी है। तो फिक्स सेट्स मैंने रख दिया अपने पास इनर कॉलम में। स्टॉक, ये बताओ ये स्टॉक कौन सा है, ओपनिंग स्टॉक के क्लोजिंग स्टॉक, जल्दी से बताइए बेटे ये स्टॉक कौन सा होगा, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड गुड़गांव ओल्ड डीएलएफ, वेरी गुड द्वारका, मेरठ, रोहतक, भिलाई, धनबाद, पार्क एंड, बीकानेर, पटना, आगरा, हाजरा, स्वरूप नगर, करनाल, झांसी, मुरादाबाद, लखनऊ, बाप रे बाप। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इसे वहां पर देखें, वहां से आना है, इसे इनर कॉलम में रखें 222 470। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स हैं भाई 50,500 रुपए के, और क्रेडिटर्स में भी कंसोलिडेशन होना है, यस क्रेडिटर्स में भी होना है, तो आप पहले जगह छोड़ देना बेटे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के लिए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं 21,900 इनर कॉलम, हमने इसे भी लिख डाला है। फिर उसके बाद आ गया जी प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये लिख दिया मैंने प्रॉफिट्स फॉर ईयर, साहब कितने का प्रॉफिट था 82,200, लेकिन भूल मत जाना, भूल मत जाना, मुझे तुम याद दिलाना, कुछ याद दिलाओ बेटे, कुछ बोलो, आज चुप मत रहो, नालायक कोई नहीं बोल रहा, बोले कहां से, किसी को पता ही नहीं है, इनका इफेक्ट नहीं लोगे क्या इसमें? ये लॉस इन ट्रांजिट का इफेक्ट आ गया -1700। अंबाला आपने तो क्वेरी पूछी थी मेरे से कुछ देर पहले कि सर इसका दूसरा इफेक्ट आपने डाला नहीं, ये गया यहां पर, क्योंकि लॉस विल रिड्यूस योर प्रॉफिट, तो मैंने उसे रिड्यूस कर दिया। मुझे प्रॉफिट का सही बैलेंस बताएं, तो मुझे सही बैलेंस बताएं प्रॉफिट का कितना हो जाएगा 82,200 -1700 इज इक्वल टू 80,500। ये भी हमने लिख दिया। फिर उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कैश इन ट्रांजिट का भी इफेक्ट डाल देते हैं, कैश इन ट्रांजिट, जल्दी से बताना इनर कॉलम में रखूं कि आउटर कॉलम में रखूं? कैश इन ट्रांजिट इनर कॉलम में रखना है कि आउटर कॉलम में रखना है? फटाफट से बताएं कौन से कॉलम में रखना है। सब कह रहे हैं इनर कॉलम में, इधर ध्यान दें बेटे, जो जो बच्चे इनर कॉलम में, इधर नजर रखा करो, कड़ी नजर, क्या यहां कोई कैश इन ट्रांजिट है जो यहां पर जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा तो आउटर कॉलम में डालें 3,000 रुपए। मेरी बात समझे, इनर में उन्हें रख रहा हूं जिनको मुझे बाद में साथ में जुड़वाना है,
बाकी थोड़ा ना रखूंगा मैं, इसलिए आउटर कॉलम में मुझे रखना पड़ेगा। ठीक है, सिलीगुड़ी, मुंबई, थाने और पटना और सत्यनिकेतन और गुवाहाटी, बाकी सब ने ठीक है। अगले आइटम पर आए हम और देखते हैं जरा, मेरे पास मैंने अभी और कुछ आइटम भी लिखनी बाकी है। कैश बैलेंस तो लीजिए, कैश बैलेंस, कैश बैलेंस कितना है 62,730 इनर कॉलम, कैश बैलेंस 62,730 इनर कॉलम। अब ये बताओ मुझे सब चार्टर्ड अकाउंटेंट कि क्या मैं ब्रांच का बैलेंस लिखूं कि नहीं लिखूं। सब बच्चे मुझे बताओ, वेरी गुड मेरठ, कमाल कर दिया तुमने तो, क्या मैं ब्रांच का बैलेंस इस बैलेंस शीट में लिखूं कि नहीं लिखूं। अगर मैंने लिख दिया तो फिर इसकी कंसोलिडेशन वो जीरो हो जाएगा, तो कटिंग्स होंगी इसके लिए, इसलिए लिखो ही मत, उस बैलेंस को लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में नहीं आ रही मुझे। वैसे एक बात बताऊं, मैं बहुत खुश हूं जितने बच्चे मेरे पास इस बार हैं सब एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंट है, सबको पहले से क्लैरिटी होती है, दैट इज ग्रेट, कमाल लगता है कि बच्चे इस बार सारे के सारे, तुम पहले ही सीए थे, तुम्हें किसने कहा क्लास लेने के लिए, किस व्यक्ति ने तुम्हें कहा था क्लास लेने के लिए, जाना और गर्दन पकड़ लेना कहना सब बातें पहले से पता थी, हम क्यों क्यों फंसा दिया तुमने। मुंबई थाने रिफंड तो करने की दिल में तो भावना है, रुपए नहीं है, खर्च हो गए, ठीक है, इसलिए भावनाओं से तुम रिफंड ले सकते हो तो ले लो, वरना तो खत्म हो गए। अच्छा, मतलब रियल में खान, तुम यकीन नहीं कर सकते, मैं खान से बात कर रहा हूं, खान वाकई बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ऐसे बच्चे तो आज तक नहीं मिले मुझको। अच्छा आइए मेरे साथ साथ, तो मैंने यहां पर ब्रांच का बैलेंस नहीं लिखना क्योंकि वो खत्म हो जाएगा, यहां तक का मैंने काम कर दिया। फिर उसके बाद हाँ करनाल बेटे, मैं अगर यहां ब्रांच का बैलेंस लिख दूंगा तो आपको याद है पिछली क्लास में यहां कुछ जमा घटा करते 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 अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, तो लिखने का फायदा ही क्या उसको जिसने अल्टीमेटली जीरो हो जाना है, इसलिए हम उसको लिखते ही नहीं, हम कहते हैं छोड़ो ऐसी चीजों को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें से ये जो ब्रांच अकाउंट का ये अमाउंट था और ये अमाउंट था, क्योंकि ये ब्रांच अकाउंट को अफेक्ट करेगा तो मुझे वो भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उसे भी लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने कहा ये दोनों चीजें ब्रांच अकाउंट की हैं, वो इस बैलेंस शीट में आ ही नहीं रही है, तो बात खत्म हो गई। आइए हम ऊपर वाला अकाउंट पहले पैकअप कर दें और देखें इसमें क्या प्रॉफिट आ रहा है, तो मुझे फटाफट से बताएं टू प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो मुझे फटाफट से बताएं प्रॉफिट कितने का कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये आ गया जी 810 105 105 105 810 75 810। धन्यवाद मेरठ, धन्यवाद अजमेर, द्वारका, भोपाल, साउथ एक्स, पार्क एंड, ये लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस इनर कॉलम 75810। खान अब बच्चे तो गलत बताते नहीं है, तुम बताओ अब मैं क्या करूंगा, इसे दिखाना ना, मेरे को भी दिखाना ना, अब मैं सपना लूंगा और सपना क्या लूंगा, काश काश ये एसेट मेरे हो जाए, काश ये स्टॉक मेरा हो जाए, काश ये डेटर मेरे हो जाए, काश ये कैश मेरा हो जाए, काश ये क्रेडिटर्स मेरे हो जाएं, काश ये प्रॉफिट मेरा हो जाए, हेड ऑफिस तो खत्म हो जाएगा। आइए बेटे आइए सपने ले, मैं तो हमेशा आपकी क्लास में जब आता हूं तो रास्ते में सपने लेता हूं, काश ये लाल किला मेरा हो जाए, काश ये कुतुब मीनार मेरा हो जाए, काश ये ताजमहल मेरा हो जाए, क्या दिक्कत है। और मैं मनी मन एंट्री भी डाल देता हूं, मैंने तो कल रात को लाल किला खरीद लिया, एंट्री डाल दी, लाल किला अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बात खत्म, गवर्नमेंट को पैसे देने, लाल किला मेरा है। तो मैं लाल किले को देखता हूं तो ऐसे लगता है जैसे मैंने उधार दे रखा है सरकार को, क्योंकि मैंने पैसे दिए नहीं है,
इसलिए कितना आसान है किसी की संपत्ति को अपना कर डालना। सिर्फ करना क्या है, वो संपत्ति मेरी हुई, अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। तो लीजिए, अब मैं यहां पर कह रहा हूं उसके फिक्सेट्स मेरे हो, तो उसके लिए मैं आपको एंट्रीज के साथ समझा रहा हूं। तो आइए, मैं यहां पर एंट्री डलवा रहा हूं, हालांकि एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, मैं सेवा भाव से एंट्री लिखवा रहा हूं। तो लिखें वर्किंग नोट नंबर 4 सेवा भाव, वर्किंग नोट नंबर 4 सेवा भाव, मैं इसमें जनरल एंट्री डालूंगा, हेड ऑफिस के यहां पर भी और ब्रांच के यहां पर भी। ये एंट्रियां करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ये हम क्यों कर रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। सीधी सीधी बात है, संगरूर पूछ रहे हैं क्या हमको ये लिखना है सेवा भाव, बेटे प्रैक्टिस करनी है, द ऑब्जेक्टिव इज प्रैक्टिस। ये मांगी नहीं है क्वेश्चन में, इसके बगैर भी सवाल हो जाएगा, तब भी मुझे ये करना है। चंडीगढ़ बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम वहां वहां बनाते हैं जहां जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, जैसे कि डिविडेंड बढ़ता है, याद है ना, कंपनी फाइनल अकाउंट, वहां वो वाला अकाउंट है। ये बताइए, अब मैं जब सपना लूंगा तो मैं कहूंगा उसके फिक्सेड्स मेरे हो जाए, हो गए। ये देखो फिक्सेड्स अकाउंट डेबिट 95,000, मैंने कहा उसका स्टॉक मेरा स्टॉक हो जाए, हो गया। स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,400, मैंने कहा उसके डेटर मेरे डेटर हो जाए, हो गए। डेटर अकाउंट डेबिट 19,100, मैंने कहा उसका कैश मेरा कैश हो जाए, ये हो गया 6550। अलवर बेटे जनरल रिजर्व पहले से बना हुआ है क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस मतलब जनरल रिजर्व बन चुका था, वो इस बार बनाने को नहीं लिखा। हां जी, मैंने संपत्ति खरीदी टू ब्रांच 171110, मैंने उसकी संपत्ति अपनी संपत्ति कर ली, बीइंग सन्ड्री एसेट्स टेकन 50,460। अच्छा ठीक है बेटे, स्टॉक ठीक कर दिया। आओ बेटे आओ, अगली आइटम देखो। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ब्रांच के यहां पर क्या एंट्री बनेगी, ये बताओ। जब इसको सामान मिलता है तो क्या ब्रांच को भी एंट्री डालनी पड़ेगी? हाँ, ब्रांच सामान देने की एंट्री डालेगी, वो क्या एंट्री डालेगी? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ये कह रही है चले जाओ चले जाओ, सारे फिक्स्ड एसेट्स चले जाओ। ये कह रही है चले जाओ चले जाओ, सारा स्टॉक भी चला जाओ। ये कह रही है चले जाओ चले जाओ, सारे डेटर्स भी चले जाओ। ये कह रही है चले जाओ सारा कैश भी चले जाओ। चलो चले गए, सब चले गए। सर आप बोलते बहुत ज्यादा हो, आपके साथ ये बड़ी परेशानी है। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड, लो जी लो, कर डाला है मैंने अब तो। और मेरे पास एक ये देखो, वेरी गुड, कोहार्ट इनक्लेव ने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दी और कहा सर क्या, सर आप भी क्या बच्चों वाले काम करते हो, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बना चुके हैं। वेरी गुड कोहार्ट, लेकिन तब भी सेवा भाव पक्का लिखना है बेटे कोहार्ट। अच्छा ठीक है, अभी मैं और भी सपने लूंगा। कोई सपने लेने में टैक्स लगता है क्या? नहीं, लिए जाओ सपने, क्या दिक्कत है। जरा मेरे साथ साथ, मैं चाह रहा हूं उसके क्रेडिटर मेरे क्रेडिटर हो जाएं, हो गए ना, कौन सी दिक्कत है। उसके क्रेडिटर मेरे क्रेडिटर कैसे होंगे? मेरे क्रेडिटर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, उसका प्रॉफिट ही मेरा प्रॉफिट हो जाए। मैं उसकी अलग एंट्री डाल दूंगा, हालांकि आप इकट्ठी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अलग एंट्री डाल दूंगा। Being sundry liabilities taken, मैंने कहा ब्रांच तो अपनी लाइबिलिटी भी मेरे को दे दे, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा नागपुर जी निश्चिंत रहे, अब पहले आप इस पर ध्यान दें, ठीक है नागपुर। हाँ हाँ वेरी गुड, हिसार कह रहे हैं सर क्रेडिटर देने में तो बड़ा मजा है। कोहाट इनक्लेव में भी शॉर्टेज की चर्चा बेटे आज करूंगा क्लास के लगभग अंत में। अब मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ से क्रेडिटर्स भी जा रहे हैं, तो जरा क्रेडिटर्स जाने की एंट्री क्या बनेगी, मेरी आंखों में आंसू हैं, बताओ क्यों। मैं कह रहा हूँ जा रहे हो क्रेडिटर, क्रेडिटर कह रहे हैं हाँ बस हमारा आपका यहीं तक का था। मैंने कहा ओहो, मैंने भाव भीनी विदाई दी, बीइंग क्रेडिटर्स ट्रांसफर्ड, जाओ क्रेडिटर जाओ, हमें छोड़कर चले जाओ। फिर मैंने कहा क्या हम उसका प्रॉफिट भी ले लेंगे, हाँ हम उसका प्रॉफिट भी ले लेंगे। हमने कहा चलो भैया तुम्हारा प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट तो क्या दिक्कत है, हो गया, किसी की लॉटरी मेरी लॉटरी निकल आए, आ हा 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 हा, खान की लॉटरी ना निकले और मेरी लॉटरी निकल आए तो प्रॉफिट किसी का हमारा हो जाएगा। माला माल वीकली में भी तो हो गया था, लॉटरी निकली किसी की थी, ले गया कोई, बीइंग प्रॉफिट टेकन, बीइंग प्रॉफिट टेकन। हालांकि मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ सवाल नहीं कर रहे, उससे आगे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं मेरी बातें सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, काम की बात को सुनते जाओ। पी एंड एल अकाउंट, डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट 31,007, 31,007। बेटे ये क्या हो रहा है, ये लाल किला बिक करके मेरे पास आ रहा है, यहां से लाल किला बिक रहा है और मेरे पास आ रहा है। कोहाट इनक्लेव कह रहे हैं क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो, आगे नहीं चलते, धीरे धीरे सवाल करते हो। कोहाट मुझे कोई दूर थोड़ा ना जाना है, बस इधर ही आना है, चिंता मत करो। अब मुझे फटाफट से बताओ, नीले पेन से लिखने जा रहा हूं मैं, उसके फिक्स सेट्स मेरे हो गए, हो गए जी, प्लस ब्रांच, उसका स्टॉक मेरा स्टॉक प्लस ब्रांच, उसके डेटर मेरे डेटर प्लस ब्रांच, उसका कैश मेरा कैश प्लस ब्रांच, उसके क्रेडिटर मेरे क्रेडिटर प्लस ब्रांच, उसका प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट प्लस ब्रांच। बोलो बेटे बोलो, और भी कुछ बोलो। मुझे साउथ एक्सटेंशन ने टोटल बता दिया है, पहला वो कह रहे हैं सर सर आपका पहला टोटल आएगा 625,000 और उन्होंने बता दिया है दूसरा टोटल आएगा 272,870 और मुंबई थाने ने भी यही बताया है और द्वारका ने बताया 69,600 और कैश का बैलेंस बताया है जी, मुझे कैश बताया 69,280, धन्यवाद मुरादाबाद 69,280। और इसके अलावा कुछ बच्चे 230 कह रहे हैं, 272,930, अच्छा ये गलत है, 272,930। अब ठीक है जी, अब मेरे ख्याल से सब ठीक हो गया है। और फिर मुझे बताओ क्रेडिटर्स का टोटल, क्रेडिटर्स का टोटल मुझे बताया है, किसने बताया है, भोपाल 32,300। और प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल बताया है, थैंक यू पार्क एंड नालायक, फिर उसके बाद है 107,510, धन्यवाद हाजरा। लो बेटे लो, लगाओ टोटल फटाफट से, 1039810, ये लीजिए 1039810, हो गया खत्म, बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये कि हमारे पास कोई झंझट थोड़ना है। सिलीगुड़ी ने पूछा सर अगर हम लॉस इन ट्रांजिट उसके यहां पर डाल देते तो क्या फर्क पड़ता, थोड़ा जूम आउट कर लो,
तो बेटे हमारे पास लॉस अगर यहां डाल देते तो प्रॉफिट सिलीगुड़ी, ये कम हो जाता, ये बैलेंस ज्यादा हो जाता, इसका मुझे फर्क पड़ता नहीं, ये प्रॉफिट कम हो जाता, बस यहां मेरा प्रॉफिट कम हो जाता और ये प्रॉफिट मेरा ज्यादा हो जाता, बाकी सब कुछ यही रहता। क्योंकि ये प्रॉफिट मेरे पास लॉस नहीं होता तो ये प्रॉफिट ज्यादा होता, वो प्रॉफिट कम होता, हिसाब बराबर है। इसका मतलब ये काम खत्म। क्या सवाल खत्म हो चुका है? ना बेटे ना, सवाल खत्म नहीं हुआ अभी तक। क्वेश्चन में उसने क्या मांगा है? उसने कहा जी ब्रांच अकाउंट बनाकर दिखाओ। उसने ब्रांच अकाउंट मांगा आपसे। ये कैसा डस्टर है? कहां पर है? हाँ ये ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन कहता है जी ब्रांच अकाउंट बनाकर दिखाओ, ये भी आपसे मांगा हुआ है। ये किसकी बुक से बनेगा? बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच करंट अकाउंट, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। पटना बेटे 1700 रुपए का लॉस अभी तक प्रॉफिट में घटा हुआ नहीं था, क्योंकि किसी ने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था। आइए मेरे साथ साथ, मैं अलवर बेटे क्षमा प्रार्थी हूं इस चीज के लिए, लेकिन अब जो हो चुका है उसको मान जाओ और आगे चलो। आइए साहब मेरे साथ साथ ब्रांच अकाउंट का बैलेंस बताओ, जरा मुझे बताना बैलेंस बीडी कितना था? 133 करके था, पता नहीं कितना था, 133710। मेरठ, तुम तो कमाल करे चले जा रहे हो बेटे, वाकई मुझे लगना शुरू हुआ है कि इस बार मेरठ से कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं 133710, जरा मेरे साथ साथ बताइए हेड ऑफिस के यहां पर और कौन कौन सी एंट्रियां होंगी। ये देखें हेड ऑफिस के यहां पर ब्रांच के अकाउंट में एक तो ये एंट्री होनी थी, एक ये एंट्री होनी थी, दोनों की हेड ऑफिस बुक्स में एंट्रियां होनी थी। तो कैश इन ट्रांजिट और लॉस इन ट्रांजिट, एक तो ये एंट्री आऊंगी बाय, कैश इन ट्रांजिट और लॉस इन ट्रांजिट, और लॉस इन ट्रांजिट, ये दो एंट्रियां तो हो गई। और कौन सी एंट्री है? खास साहब दिखाइएगा जरा। और ये एंट्री है, ये एंट्री है, ये एंट्री है, ये भी डाल दो भाई। ब्रांच अकाउंट में जो जो एंट्री आनी है डाल दो। तो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट करना है बाय। अब मैं इन कॉरपोरेशन एंट्रियां डाल रहा हूं, ये ऊपर जो थी वो रिकंसिलेशन एंट्रियां थी, अब इन कॉरपोरेशन एंट्री आ गई। फिक्स्ड एसेट्स 95,000, स्टॉक 5460, डेटर्स 1900, कैश 6550। हां जी बेटे, लॉस ट्रांजिट में था, सवाल में लिखा हुआ है संगरूर। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये भी हमारी इन कॉरपोरेशन एंट्री थी। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 10,400 और प्रॉफिट एंड लॉस 31,700। अगर आपने सब काम ठीक कर दिया होगा तो बताओ इस अकाउंट का बैलेंस कितना आना चाहिए? अगर सब काम ठीक हो गया होगा तो बताओ इसका बैलेंस क्या आना चाहिए? वेरी गुड गिरीश पाक, 175810। नालायक गिरीश पाक, इसमें बैलेंस नहीं आएगा। नालायक हरिद्वार, नालायक जबलपुर, नालायक द्वारका, इनमें कहां से बैलेंस आ जाएगा? नालायक अजमेर, इसमें कोई बैलेंस नहीं आएगा, टैली हो जाएगा ये अकाउंट अपने आप। अब टोटल लगाओ इसका फटाफट से, 175810। धन्यवाद मेरठ। अच्छा अच्छा, ओहो हो, अब मैं समझा, यही आंसर तो सारे बता रहे थे, वो टोटल बता रहे थे। वेरी गुड वेरी गुड, जिन जिन को भी नालायक क्या वो फटाफट से बात को पलट दे, सॉरी सॉरी सॉरी, नालायक नालायक नहीं, होशियार होशियार है। ओके 175810। सर मजा सा नहीं आ रहा। तो बेटे तुम क्लास में मजे लेने आते हो क्या?
नहीं सर हमें बड़े बड़े सवाल कराओ। ओके, जान मांगी होती तुमने मुझसे, मांगा भी तो क्या सवाल, क्या बताओ। लो फिर एक सवाल कराता हूं आपको मैं। सर कानों से धुआं निकलना चाहिए, ठीक है कानों से धुआं निकलवाएंगे। सर कानों से धुआं निकलवाने का मतलब, अब सोचो किसी आदमी कानों से धक 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 धुआं निकल रहा है, तो धुआं कानों से कब निकलेगा, जब दिमाग में सारी की सारी मशीनरी फेल हो जाएगी, अंदर क्रैश हो जाएगा, उसके अंदर तारे शॉर्ट हो जाएंगे, तो कानों से धुआं निकलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 2.14, पेज नंबर 2. सर इसके बाद मैं ब्रेक दे देना। ओके, इसके बाद ब्रेक दे दूंगा मैं। सारे अच्छे बच्चे किसके पास, मेरे पास, मेरे पास। सारे अच्छे बच्चे किसके पास, मेरे पास, मेरे पास। सर सर आप सवाल घर से भी करने के लिए हमारे लिए निकाल रहे हो क्या? हाँ निकालने वाला हूँ, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ दूँ जरा। आइए जी मेरे साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 8। इसे रब करने के लिए कोई लेबर बुलाओ फटाफट से, बाहर चौक से किसी लेबर को लाओ, बोलो तुम्हारा काम सिर्फ रब करने का है। मैं तो जिम अब जाता ही नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं है, यहीं पर ही सारी कसरत हो जाती है मेरी तो। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 2.14। आइए जी, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स ऑफ अ बिजनेस। दो पार्टनर हैं क्वेश्चन 8 में, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स ऑफ अ बिजनेस हैविंग हेड ऑफिस इन दिल्ली एंड अ ब्रांच एट कोलकाता। अनिल लुक्स आफ्टर दिल्ली ऑफिस एंड सुनील लुक्स आफ्टर कोलकाता ब्रांच। अनिल इज एंटाइटल्ड टू 40% ऑफ द प्रॉफिट्स made at Delhi, while Sunil is entitled to 30% of the profits at Kolkata. The balance profits and losses are shared equally. तो भाई दो पार्टनर हैं अनिल एंड सुनील, एक है अनिल एक है सुनील, और वो कहते हैं कि हेड ऑफिस कहां पर है, दिल्ली और कोलकाता। अनिल दिल्ली को चलाता है, सुनील कोलकाता को चलाता है। अनिल को 40% प्रॉफिट मिलेंगे दिल्ली के, और सुनील को 30% प्रॉफिट मिलेंगे कोलकाता के, बाकी प्रॉफिट इक्वली बांट लेंगे। तो अनिल जी लेंगे 40% दिल्ली के प्रॉफिट्स। बताओ दिल्ली के 40% ले लिए तो दिल्ली के 60% कौन लेगा, फटाफट से बताएं। दिल्ली के प्रॉफिट्स 40% अनिल लेगा, तो फटाफट से बताइए अगर वो 40% दिल्ली में प्रॉफिट अनिल लेगा तो बाकी दोनों कौन लेंगे इक्वली, अनिल और सुनील 30-30। ओके, इसके अलावा सुनील की बात करते हैं, कोलकाता के अंदर 30% प्रॉफिट तो भाई रिजर्व्ड कोटे के हैं सुनील के, तो 70% प्रॉफिट कौन लेगा, अनिल, 35% सुनील, 35%। ये उनका एग्रीमेंट है साहब, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, वो कोई भी बात कह सकते हैं। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस, उसने आपको ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में क्या कह रहा है वो आपको देखो। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑन 31st of December 2001। तो पढ़ लें साहब ट्रायल बैलेंस, इसमें कोई वैसे ऐसी चीज है भी नहीं पढ़ने वाली, फटाफट से पढ़ लें। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, परचेज एंड रिटर्न्स, गुड्स सेंड टू कोलकाता, गुड्स सेंड टू दिल्ली, गुड्स रिसीव फ्रॉम कोलकाता, गुड्स रिसीव फ्रॉम दिल्ली, सेल्स लेस रिटर्न्स एक्सपेंसेस, कस्टमर्स अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स ओपनिंग WDV,
फिर कोलकाता फिक्स्ड एसेट्स कोलकाता ब्रांच अकाउंट, दिल्ली हेड ऑफिस, कैपिटल एंड ड्राइंग्स अनिल एंड सुनील। फिर वो कहते हैं, क्या कहता है, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट ऑन 30th of December 2001 दिल्ली हेड ऑफिस रेमिटेड 5000 बाय बैंक ड्राफ्ट टू कोलकाता ब्रांच। द एनवेलप वॉज रिसीव्ड बाय दिल्ली ऑन 2nd of January। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31st of December 2001 वॉज रुपीज 46,000 दिल्ली, 54,000 एट कोलकाता। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द कैश एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू हेड ऑफिस आर टू बी ट्रीटेड एज ओवरहेड्स इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। यू आर आस्क्ड बाय द पार्टनर्स टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर सो एंड सो फॉर दिल्ली ऑफिस इन कोलकाता ब्रांच इन कॉलमिनर फॉर्म कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31st of December 2001 एंड ब्रांच बैलेंस ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंट्स इन रिस्पेक्टिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओ माई गॉड, कितना झंझट है, कैसे करें इन सवालों को साहब, बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या मांग रहा है मुझे तो ये समझ में नहीं आई। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा है उसने कॉलमिनर फॉर्म में, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट मांगी है और ब्रांच और हेड ऑफिस के अकाउंट्स मांगे हैं, ये सब चीजें उसने आपसे मांग ली है। मैं बीच में एक बात आपसे कह रहा हूं कि लास्ट पॉइंट देखें, कहां सब दिखाइएगा, ये पॉइंट पढ़े, 10% ऑफ कैश एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू हेड ऑफिस आर टू बी ट्रीटेड एज ओवरहेड्स इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। एक तो ये बात समझ ले ये क्या है, बाकी तो साहब ये जो एडजस्टमेंट है ये तो नॉर्मल है, ये तो उसने क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, बल्कि आपको तो नाचना चाहिए। ये देखिए मैं नाच भी पड़ा, ये दोनों बाजू ऊपर करके नाच रहा हूं, नाच इसलिए रहा हूं क्योंकि स्टॉक दे रखा है। स्टॉक ना होता तो झंझट होता, मैं शायद स्टॉक को इवैल्यूएट करता, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बता रखे हैं कि दिल्ली से 5000 रिपीट कर रखे हैं जो अभी तक पहुंचे नहीं है, इसका मतलब ये रिकंसिलेशन का अमाउंट है, यानी ये रिकंसिलेशन का अमाउंट आ गया हमारे पास। ये डेप्रिसिएशन लगानी है, ये एक वैसी एडजस्टमेंट है, लगा देंगे डेप्रिसिएशन, उसमें कौन सी दिक्कत की बात है। 10% ऑफ द कैश एक्सपेंसेस को ट्रीट करना है, ये भी कर लेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें पहले ब्रेक चाहिए क्योंकि हमको समझ में नहीं आएगा। अब साहब जब आप ये कहते हैं समझ में नहीं आएगा तो भारी लग जाती बात, हालांकि वैसे आप होशियार बच्चे हैं, ये कहना शोभा नहीं देता आपको कि समझ में नहीं आएगा, फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप पहले ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मैं इस सवाल को करता हूं। आप जो बच्चे ब्रेक में इसे करना चाहें वो ट्राई करते रहें, सोचते रहें, कम से कम रिकंसाइल तो हो ही जाएगा। रिकंसिलेशन में अगर आपको सारे डिफरेंसेस ना मिले तो ट्रायल बैलेंस को देखना, क्योंकि रिकंसिलेशन की चीजें कभी कभी नीचे नहीं लिखी होती तो ट्रायल बैलेंस में होती है। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि अगर ना पता चले रिकंसिलेशन की डिफरेंसेस तो ट्रायल को अच्छी तरह पढ़ना, वहीं कहीं पर डिफरेंसेस छुपे हो सकते हैं। तो अपने पास आप ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद हम 10 मिनट के ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे।
घाट को पर बैठे, फटाफट से बैठे घाट को पर। आइए तो हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करना चाह रहे हैं भाई। आइए जी, हाँ जी बेटे मेरे साथ साथ जाने। तो ये लीजिए, एक है हमारी ब्रांच दिल्ली और कोलकाता में, जिसको अनिल और सुनील संभालते हैं, जिनका प्रॉफिट का अपना एक रेशियो है। जरा इसके ट्रायल बैलेंस में और इसके ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस चेक कर लें, कितने कितने बैलेंसेस आ रहे हैं जरा फटाफट से। दिल्ली और कोलकाता के ट्रायल बैलेंस में कितना कितना बैलेंसेस है जरा इसमें देखते हैं। यहां पर हमारे पास बैलेंस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है जी, ब्रांच अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 5000 क्रेडिट्स, और इसमें आ रहा है हेड ऑफिस का बैलेंस 17000 डेबिट्स। दो बैलेंसेस आ रहे हैं। हाँ जी, ये दो बैलेंसेस आ रहे हैं। अब मेरा आपसे कहना है कि कितना डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस है 12000 रुपीज, 12000 रुपए का डिफरेंस है, जिसमें वो नीचे लिखता है 5000 रुपए के तो गुड्स इन कैश इन ट्रांजिट है। 5000 का तो कैश इन ट्रांजिट है। इसके अलावा अब बाकी लिखा नहीं है कि बाकी क्या चीज है, बताइए बाकी क्या चीज है फटाफट से बताएं कि हमारे पास 5000 रुपए का डिफरेंस तो मिल गया, बैलेंस क्या है। बैलेंस बेटे ट्रायल बैलेंस में देखो, ये देखो ट्रायल बैलेंस में, सिरसा लिखना कुछ नहीं है बेटे, समझा रहा हूं आपको मैं पहले। ये देखो गुड्स सेंट, ये देखें गुड्स सेंट टू कोलकाता 50000, और 50 में से मिले कितने उसे गुड्स 48, और इसने गुड्स सेंट कितने कर दिए 70000, मिले कितने इसको 65000। इसका मतलब ये कि 50 में से 48 मिले हैं, 70 में से 65 मिले हैं। तो बताइए हमारे पास इन ट्रांजिट निकल सकता है, बिल्कुल। तो हमारे पास गुड्स इन ट्रांजिट हैं, गुड्स इन ट्रांजिट कितने के हैं, 2000 रुपए के गुड्स इन ट्रांजिट हैं जो दिल्ली से जा रहे हैं कोलकाता, और मेरे पास गुड्स इन ट्रांजिट और भी हैं, वो 5000 रुपए के हैं जो जा रहे हैं कोलकाता से दिल्ली। और ये कैश इन ट्रांजिट कहां से कहां जा रहा था, हेड ऑफिस से दिल्ली से कोलकाता। साहब रिकंसिलेशन तो हो गई इससे,
12,000 से 12,000 रिकंसिलेशन तो हो गई, रिकंसिलेशन में तो और कुछ नहीं है। उसमें और क्या कहता है वो, वो कहता है जी हमारे पास स्टॉक का बैलेंस दे रखा था, वो हमने कहा ठीक है, डेप्शन का बैलेंस दे रखा था, हमने कहा ठीक है। ये बात समझ में नहीं आई, कह रहा है जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं दिल्ली के, मुझे फटाफट से बताओ सब बच्चे, दिल्ली के एक्सपेंसेस कितने हैं, फटाफट से बताओ दिल्ली के एक्सपेंसेस कितने हैं, 28,000। कह रहा है जो भी एक्सपेंसेस हैं दिल्ली के, उनमें से 10% रिलेट करते हैं टू हेड ऑफिस इनकर्ड बाय ब्रांच, इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच। बेटे इसमें से 2,800 के एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो ब्रांच के लिए हैं, हमने इसके बारे में कोई बात बतानी है। आप अपने कॉपी में देखें, हमने ऑलरेडी इसके बारे में एक पॉइंट लिखवा रखा है, जरा मेरे साथ साथ आए, यहां दिखाओ, ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ एक पॉइंट है, ये एक नोट लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है समटाइम्स हेड ऑफिस इनकर एक्सपेंसेस फॉर ब्रांच देन एंट्रीज आर। तब एंट्रीज क्या क्या होती है जरा देखें, मैं कह रहा हूं अगर हेड ऑफिस खर्चे करता है ब्रांच की तो क्या एंट्री बनेगी, हेड ऑफिस कहेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट और पे करेगा तो कैश, या अगर उसने पहले खर्चे लिखे हुए हैं तो टू एक्सपेंसेस, तो एंट्री हो गई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर ब्रांच के यहां पर एंट्री डालनी हो तो खर्चे अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, सीधी सीधी बात है भाई, जिसका खर्चा है उसके यहां खर्चा डेबिट करो, और चूंकि इसने पे नहीं किया तो हेड ऑफिस क्रेडिट करो। इसके यहां पर खर्चा जिसका है उसको अपने पास डेबिट कर दिया, और चूंकि हमने पे कर रखा है तो कैश, या हमने एक्सपेंस दिखा रखा है तो एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। यानी ये हमारे पास पॉइंट अब आ गया है। तो जरा मुझे फटाफट से बताइए, हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पे कर दिए ब्रांच के लिए, तो हेड ऑफिस अगर खर्चे पे करता है ब्रांच के लिए तो हेड ऑफिस ने एंट्री क्या डाल दी होगी, हेड ऑफिस ने ये एंट्री डाल दी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि होना क्या था, होना था ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ठीक कैसे करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, हम कहेंगे साहब 2,800 रुपए के एक्सपेंसेस ब्रांच के हैं तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंसेस क्रेडिट कर डालेंगे, हमने क्रेडिट कर डाले, और फिर उसके बाद ये खर्चा अपने आप रिकॉर्ड करेंगे तो इसके यहां खर्चे की एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ये अपने पास इस तरह रिकॉर्ड करेगी। भोपाल बेटे इस तरह से अगर आप किताब से बाहर निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। भोपाल भोपाल मैंने आपके लिए यहां पर खर्चा कर दिया, जैसे आप दिल्ली आना चाह रहे थे मैंने आपके लिए यहां पर टिकट बुक करवा दी, तो भोपाल बेटे मैंने आपके लिए टिकट बुक करा दी तो आप क्या एंट्री डालेंगे, खर्चा तो आपका है मैंने पे कर दिया तो आप क्या एंट्री डालेंगे। भोपाल सोचो, खर्चा ब्रांच का है, आप दिल्ली आ रहे थे मैंने टिकट बुक करा दी, मैंने कहा मैं टिकट भेज देता हूं आप मुझे आकर दिल्ली पैसे दे देना, आप क्या एंट्री डालेंगे। भोपाल आप कहेंगे ना एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, अब कैश तो नहीं लिखेंगे, कैश तो मेरा गया हुआ है तो आप मेरा नाम डाल देंगे, आप कहेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, और मैं क्या एंट्री डालूंगा, मैं कहूंगा भोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मेरा खर्चा थोड़ा है, मैं आपको डेबिट करूंगा कि भोपाल से पैसे लेने हैं। हेंस आप उसको रीड करें, भाषा मत करें, रटने की आपको कोई भी आवश्यकता इसमें नहीं है। आइए जी मेरे साथ साथ हरिद्वार, 100 में आ गई बेटे आपको एंट्री, हरिद्वार और धनबाद। चलिए जी, तो अब मेरे साथ साथ आप लोगों ने, मैं तो ये ऐसे ही कर रहा था, और अब मेरे साथ साथ जरा सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो लीजिए सॉल्यूशन कर देता हूं स्टार्ट। कई बच्चों ने तो यहां तक का काम कर भी लिया है लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा था, तो ये लीजिए, ये मैं यहां से लिखूंगा इधर से सॉल्यूशन। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज डालेंगे, एक तो दिल्ली मतलब हेड ऑफिस और एक कोलकाता ब्रांच। हेड ऑफिस और ब्रांच, तो जरा फटाफट से मुझे बताओ सबसे पहले कैश इन ट्रांजिट
ये कहां से कहां जा रहा था, कैश इन ट्रांजिट कहां से कहां जा रहा था, दिल्ली हेड ऑफिस से जा रहा था, तो इसकी एंट्री कौन डालेगी, ब्रांच। कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस रुपीज, पता नहीं कितना था, 5,000 बींग। कैश इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड, फिर उसके बाद पूना बेटे मुझे ना अगली क्लास में याद दिलाना, बिकॉज आज सेकंड सैटरडे है ना, तो यहां सब स्टाफ छुट्टी पे है, तो आप मेरे को अगली क्लास में याद दिलाना, मैं तब भिजवा दूंगा, आज नहीं मेल हो पाएगी बिकॉज आज स्टाफ छुट्टी पे यहां सारा। तो कैश इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, फिर नंबर टू, नंबर टू। हां जी, अब मुझे बताएं इसके बाद, कैश इन ट्रांजिट के बाद गुड्स इन ट्रांजिट भी थे, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, बताएं जी जरा मेरे साथ साथ, गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री कौन कौन सी, गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री थी, एक तो 2000 पे गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री थी जो हेड ऑफिस से ब्रांच जा रहे थे, गुड्स इन ट्रांजिट। टू हेड ऑफिस, बींग गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड, बींग गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड, और एक और भी गुड्स इन ट्रांजिट थे, एक और भी गुड्स इन ट्रांजिट थे जो ब्रांच से हेड ऑफिस आ रहे थे, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 5,000 टू ब्रांच बींग गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड, बींग गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड। लो जी, ये एंट्रियां तो कर दी, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होनी नहीं, दोनों के यहां पर डेप्रिसिएशन की एंट्री कही गई है, तो मुझे फटाफट से बतानी आपने, डेप्रिसिएशन हेड ऑफिस लगाएगा तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन हेड ऑफिस लगाएगा बेटे, हेड ऑफिस के पास जो एसेट्स हैं वो 50,000 रुपीज के हैं, 5,000 की डेप्रिसिएशन, हेड ऑफिस अपने यहां पर डेप्रिसिएशन लगाएगा टू फिक्स्ड एसेट्स रुपीज 5,000 बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, बींग डेप्रिसिएशन चार्ज, और दूसरे के यहां पर हमारे पास क्या होगा, उसके 80,000 के फिक्स एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन होगी 10%, डेप्रिसिएशन 8,000 टू फिक्स एसेट्स बींग डेप्रिसिएशन चार्ज। ये बेटे जो एंट्रीज हैं ये इन कॉरपोरेशन की नहीं है, ये एंट्रीज किसकी है, एडजस्टमेंट्स की है, जिसमें रिकंसिलेशन हो गई, एडजस्टमेंट्स हो गई, ये हमारे पास सबसे पहले काम हो रहा है, और अभी भी एक काम और है, वो है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। हाँ जी, मुझे फटाफट से बताएं, एक्सपेंसेस हेड ऑफिस की एंट्री डाल रहा था एनआईटी फरीदाबाद बेटे, मैं खर्चे कर रहा हूं ब्रांच के लिए, तो ब्रांच मेरा डेटर बन जाएगा, मैं बोलूंगा ब्रांच तुम मुझे पैसे दो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए खर्चे किए हैं, वो मेरे खर्चे थोड़ा ना है, इसलिए मुझे अपने एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे, मैंने अपने खर्चों का 10% उस पर डाल दिया, तो मेरे खर्चे एनआईटी फरीदाबाद कम हो गए और ब्रांच मेरा डेटर बन गया कि मैं ब्रांच से रिकवरी करूंगा, बींग एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड।
और इसके यहां पर एनआईटी फरीदाबाद खर्चा बुक करना पड़ेगा तो इसके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस बीइंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। पटना बेटे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी वो एक्सपेंसेस पे कर चुके हैं और हमने ट्रायल में एक्सपेंस के नाम से डाल रखे हैं, इसलिए पटना आपने गलत आंसर भेजा। इसके अलावा द्वारका ने ठीक आंसर भेजा, मेरठ ने भी ठीक आंसर भेजा, मेरठ तो बढ़िया हो गया। हमने अपने पास वर्किंग नोट नंबर 1 बना दिया है जहां मैंने सब काम कर दिए हैं। इसके बाद मुझे बताएं, इसके बाद मुझे क्या करना होता है साहब? इसके बाद मुझे बनाने हैं फाइनल अकाउंट्स। मैंने अब बनाने हैं जी फाइनल अकाउंट्स। क्या मैं इसको अब यहां पर हटा दूं? ये लीजिए, मैंने इसे हटा दिया। फाइनल अकाउंट्स के लिए क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि फाइनल अकाउंट्स कॉलमनर फॉर्म में बनाने हैं। वो कहता है फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन कॉलमनर फॉर्म। अब साहब मेरी रिक्वायरमेंट को मैं फॉलो करूंगा। ये लीजिए, कॉलमनर फॉर्म में कॉलम किस किस का रखना है? उसने कहा है जी कॉलम रखना है दिल्ली का और कोलकाता का। मैं एक कॉलम एक्स्ट्रा रख लूं, किसी को दिक्कत तो नहीं है? मैं एक कॉलम सेवा भाव के नाम से एक्स्ट्रा रख लेता हूं, क्योंकि इस सवाल में नहीं मांगा, लेकिन क्या भरोसा अगले सवाल में वो मुझसे कह दे कि सर टोटल भी बनाकर दिखाओ। तो मैं टोटल का कॉलम बनाऊंगा, क्वेश्चन में मांगा नहीं है, मैं फिर भी बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि पता नहीं आने वाले प्रश्नों में अगर उसने टोटल कॉलम भी मांगना शुरू कर दिया तो हम उसको टोटल कॉलम भी बनाकर दिखा पाएंगे। तो हमने अभी से उसके बारे में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। ये लीजिए, क्वेश्चन क्या है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ब्रांच हेड ऑफिस टोटल ऑफ ब्रांच हेड ऑफिस टोटल। टोटल मांगा नहीं है, मैंने बना दिया। कोहार्ट पूछ रहे हैं सर पेपर में हमने क्या कॉलमनर बनाना है या दूसरा? पीतमपुरा, वैसे तो आप ये बनाने के बाद जानोगे कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। जबलपुर ये आपका मिस हो गया, फटाफट लिखो। तो कोहाट इनक्लेव जोन सा मन भाई वो करना चाहिए, हालांकि कॉलमनर छोटा रहता है, इसलिए आप लोग अगर कॉलमनर बनाएंगे तो अच्छी बात होगा। हरिद्वार एक्सपेंसेस ट्रायल के बाहर होते तो हम लोग कैश लिखते। हाँ नागपुर, यही पैटर्न एग्जाम के लिए चाहिए साहब। मैं एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, आपको लगता है मैं सर्कस की तैयारी करा रहा हूँ? आपको कह रहे हैं कि एग्जाम में भी ऐसे करना है। जब उसने मांगा है कि आपको कॉलमनर चाहिए तो कॉलमनर ही बनाकर दीजिए, नो एक्सक्यूजेस। जबलपुर बेटे लिख लिया हो तो चलूं क्या मैं आगे? चलो, मैंने अपने पास अब कॉलमनर फॉर्म बना दिया है। कॉलमनर फॉर्म के अंदर यहां तक मैं आ चुका हूं और मुझे और क्या चीज चाहिए? मुझे और चाहिए ब्रांच की बैलेंस शीट। ये मेरा है वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 आप बेटे अपनी कॉपी में ये बड़े पेज पर बना लो, उसके आगे फिर से अपना नॉर्मल जैसे बना रहे थे। ब्रांच बैलेंस शीट, दिस इज आवर नेक्स्ट आइटम, ब्रांच बैलेंस शीट। मेरे पास पार्क एंड से जीपी भी आ गया है। कमाल है भाई, पार्क एंड वाले बच्चे तो सारे के सारे असली हीरे। ब्रांच बैलेंस शीट, चलो मैं इस समय दूसरे स्टेप पर हूं। मैंने रिकंसिलेशन कर ली है, मैं अब बना रहा हूं फाइनल अकाउंट्स ऑफ ब्रांच। मैं ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूं, फिर उसके बाद हेड ऑफिस पर आऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ साथ ब्रांच के फाइनल अकाउंट्स बनाते जाएं। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रुकना आपका काम नहीं, रुकना आपका काम नहीं। ओपनिंग स्टॉक, सब बच्चे यहां देखें, ओपनिंग स्टॉक। फोर्टी थाउजेंड,
ओपनिंग स्टॉक 40,000। बेटे साथ साथ चलना, अगली आइटम परचेजेस लेस रिटर्न्स। तो मुझे परचेजेस लेस रिटर्न्स बताओ। परचेज नेट बताते जाओ पार्क एंड, तुम तो कर चुके हो, बताते क्यों नहीं। परचेज लेस रिटर्न्स 260। फिर उसके बाद हमारे पास अगली आइटम आ रही है मेरठ। बेटे मैंने सिर्फ ब्रांच की बात करी है, आपने हेड ऑफिस का अमाउंट बता दिया। साउथ एक्सटेंशन आप भी गलती कर रहे हैं। सब बच्चे यहां देखें, खान सब बच्चे यहां ध्यान दें। सिर्फ मैं इतने की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं ब्रांच की। इसलिए जो बच्चे भी इधर देख रहे हैं ये हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं। ग्वालियर गलत, साउथ एक्सटेंशन गलत, मेरठ गलत, भोपाल गलत, समझ में आई। सिर्फ किसको देखेंगे, ब्रांच को, सिर्फ ब्रांच की बात चल रही है। फिर उसके बाद आ गए 70,000। क्या चीज है, गुड्स सेंट, ये सेल्स होती है। बाय गुड्स सेंट 70,000। खान तुम्हें बार बार आना पड़ेगा बेटे, आओ फटाफट मेरे साथ, बार बार आना खान, ठीक है। लो बेटे मैंने 40,000 लिख दिया है, 260 लिख दिया है, 70,000 लिख दिया है, सीधी सीधी बात है। फिर है 48,000। ये 48 क्या चीज है, गुड्स रिसीव्ड 48। कई बच्चे ना इन ट्रांजिट के चक्कर में पड़ जाते हैं। साहब कुछ नहीं, इसको उठाओ और कॉपी करो, जो लिखा है उसे कॉपी करो और कुछ नहीं करना। 48,000 गुड्स रिसीव्ड। फिर उसके बाद हमारे पास है अगली आइटम। फिर से आइए खान साहब, फटाफट से आइए। 370 माइनस 20, ये आ गया नेट सेल्स। फिर उसके बाद हमारे पास अगली आइटम आ रही है एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस सब पीएनएल के हैं, मुझे ध्यान से बताओ। एक्सपेंसेस 39,000 रुपीज लिखे हुए हैं। एक्सपेंसेस में कुछ एडजस्टमेंट भी थी, ब्रांच में एक्सपेंसेस में क्या एडजस्टमेंट थी चेक कर ले जरा। ब्रांच में एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट क्या थी, ब्रांच में एक्सपेंसेस 2,800 रुपए से बढ़ गए। तो इसका मतलब एक्सपेंसेस हो गए 2,800 से ज्यादा, 41,800। एक्सपेंसेस भी आ गए। फिर उसके बाद है कस्टमर्स अकाउंट, माने तो डेटर्स। बेटे डेटर्स के दो बैलेंस दिए हुए हैं, नेट करके बताओ डेटर्स का बैलेंस कितना है। 71,000 माइनस 3,000 68,000 नेट डेटर्स। डेटर्स आ गए 68,000। फिर उसके बाद आ रहा है सप्लायर्स अकाउंट 1,000। बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बैंक ओडी है 6,000। फिक्स्ड एसेट्स में एडजस्टमेंट थी तो फिक्स्ड 72,000 रह गए और डेप्रिसिएशन अलग आ गई। डेप्रिसिएशन तो मैंने अपने पास ये भी लिख दिया है। फिर उसके बाद था हेड ऑफिस का बैलेंस इनर कॉलम में 17,000। इसके अलावा कैपिटल के बैलेंसेस भी आ रहे हैं तो
थोड़ी जगह कम पड़ गई, हेड ऑफिस नीचे लिख देता हूं मैं, कैपिटल अनिल, अनिल की कैपिटल है 31,000, उसमें ड्राइंग घटा दी मैंने, और सुनील की कैपिटल है 70 माइनस 25, 70 माइनस 25 कितना होता है 5, 45,000। मैंने अपने पास अभी तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस की आइटम डाली है, सिर्फ ट्रायल बैलेंसेस की आइटम डाली है। आप इतना कर लेंगे तो मुझे बताएंगे, मैं तो आगे चलूंगा। तो मुझे फटाफट से बताएं, अगर आप कर चुके हैं तो मुझे जल्दी से बताएं। मैंने ट्रायल मुंबई थाने डन, रोहतक डन, हेड ऑफिस का बैलेंस डेबिट में है, वो कह रहे हैं जी हेड ऑफिस का बैलेंस डेबिट में है। सॉरी बेटे सॉरी, हेड ऑफिस का बैलेंस डेबिट में है, हेड ऑफिस का बैलेंस 17,000 डेबिट में है, ये मुझे बताया था हरिद्वार ने, हरिद्वार बहुत बहुत धन्यवाद। और मॉडल टाउन कह रहे हैं डन डना डन डन, गुड मॉडल टाउन, तुम तो वैसे भी मॉडल टाउन हो। आओ इन एंट्रीज का इफेक्ट देखें, कौन कौन सा इफेक्ट रहता है। कैश इन ट्रांजिट जाएगा बैलेंस शीट में, गुड्स इन ट्रांजिट जाएगा बैलेंस शीट में, डेप्रिसिएशन हम लिख चुके हैं, फिक्स्ड एसेट्स हम लिख चुके हैं, तो दो एसेट्स जाएंगे बैलेंस शीट में, कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट। आइए कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट 2000, ठीक है जी। हिसार बेटे क्रेडिट में डेटर्स का मतलब है कि हमने डेटर्स को माल सप्लाई नहीं किया, लेकिन हमने उनसे पैसे ले रखे हैं, एडवांस ले रखा है। सुनील की कैपिटल, सिरसा बेटे सुनील की कैपिटल सवाल में दी हुई है, 70,000 कैपिटल है, 25,000 रुपए की ड्राइंग्स हैं, तो मैंने ड्राइंग्स घटा दी, उसमें तो नेट बैलेंस निकलाया। आइए जी मेरे साथ साथ अभी इसके अंदर और चेक कर ले। हेड ऑफिस को क्रेडिट करना है 5,000, 2,000, 2,800, तो क्रेडिट में आपके पास एडजस्टमेंट्स आ रही है, जरा मुझे बताइए इसमें एडजस्टमेंट्स कितने की आ गई। क्रेडिट में आ गई 5 और 2 7 और 2 9, 9,800 की एडजस्टमेंट्स हैं, 9,800 की एडजस्टमेंट्स हैं। मुझे फटाफट से बताएं कि इसका बैलेंस कितना रह गया, 7,200 डेबिट। लो बेटे मैंने ट्रायल बैलेंस की चीजों को लिख दिया, मैंने एडजस्टमेंट को लिख दिया, अभी स्टॉक लिखना बाकी है, स्टॉक लिखते ही सवाल खत्म। अब मुझे फटाफट से बताएं स्टॉक कितने का था कोलकाता में, 54,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरी बार स्टॉक, हाँ जी बेटे, पार्क एंड कस्टमर्स अकाउंट को हम अलग अलग दिखा सकते हैं। लो जी अब वापिस आए और जरा फटाफट से बेटे जीपी निकालें, जीपी निकालना, दो तीन लाइनें छोड़ देना ताकि बाद में कोई और चीज अगर आनी हो तो इसमें दो तीन लाइनें छोड़ देना, थोड़ी स्पेस छोड़ देना। जीपी निकालते हैं, उसके लिए मुझे चाहिए इसका टोटल 0004 7 5 5 10 17 1 474, 474 जीपी है 1,26,000, वेरी गुड। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि इतने आंसर आ गए हैं कि मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। जीपी 126 बाय जीपी
126 टोटल 126 नेट प्रॉफिट 76,200 अब ध्यान से मुझे बताना है कि ये प्रॉफिट बटेगा कैसे। जरा बेटे मुझे बताना ये प्रॉफिट बटेगा कैसे, इस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। वर्किंग नोट नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तो हम प्रॉफिट कितना कितना देंगे। कोलकाता अनिल और सुनील प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट टोटल हुआ है 76,200। बताओ पहले मैं अनिल या सुनील किसको दे दूं। हाँ जी बेटे फटाफट टोटल बताओ कैसे कैसे बटना था। कोलकाता का प्रॉफिट 30% सुनील को देना था, 30% सुनील 76,200 का 30% 22,860 और बैलेंस जो देने हमने वो किस किस को देने हमने अनिल एंड सुनील। तो भाई बाकी का निकाल लो 76,200 डिवाइडेड बाय 2 26,670 तो इसे प्रॉफिट मिलेगा इतना और उसे प्रॉफिट मिलेगा प्लस 22,860 49,530। लो भाई मुंबई थाने आप क्या आंसर निकाल रहे हो नालायक। मुंबई थाने या तो आगे चल रहे हैं मुझसे। हाँ जी अब मैं इस प्रॉफिट की बात करता हूं। यहां पर प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 26,670 प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट 49,530 निकालो कितना कितना टोटल आता है। तो इसका टोटल आ गया जी 670 ये हो गया 6 और 1 7 3 और 2 5 ये हो गया 530 इसका टोटल हो गया 9 5 14 4 4 8 94। अब आप इसका टोटल लगाइए कि इसका टोटल कितना आता है। पंचकुला बेटे प्रॉफिट का सवाल में लिखा है 30% प्रॉफिट सुनील का है तो मैंने 30% प्रॉफिट सुनील को दे दिया और जो बाकी बच गया था वो हमने आधा आधा बांटा। ऐसा सवाल की पहली पंक्ति में लिखा हुआ है इसलिए हमने ऐसा बांटा है। आइए जी टोटल आ गया 57,670 प्लस 94,530 प्लस 56,208,200 माइनस 54,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 7,200 माइनस 72,000 माइनस 68,000 बराबर है 208,200। नागपुर बेटे 35% है आप परसेंटेज निकाल लीजिए 76,200 का 35% यही आएगा 76,200 का 35% 26,670 आप उस तरह से कर लीजिए उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मुंबई थाने गुड्स इन ट्रांजिट बेटे ट्रेडिंग में आते ही नहीं है। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि गुड्स इन ट्रांजिट आपका सीधा सीधा एसेट है वो सीधा सीधा वहां पर आ गया लेकिन मुंबई थाने अगर आपने यूनिवर्सिटी में ऐसा पढ़ा है तो वो कुछ और है। मैं आऊंगा इस सवाल के अंत में कि वो आपने क्या पढ़ रखा है कि यहां कौन सा गुड्स इन ट्रांजिट आता है। इसकी चर्चा इस सवाल के बिल्कुल अंतिम भाग में होगी जब मैं टोटल कॉलम बनाऊंगा तब डिस्कशन करूंगा ठीक है। मुंबई
ओके सर, आओ अब मुझे बताइए कि हमने अपने पास अब तक क्या क्या कर लिया। मैंने अब तक एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, मैंने अब तक फाइनल अकाउंट्स ऑफ ब्रांच कर लिए हैं, अब मुझे क्या बनाने हैं? फाइनल अकाउंट्स ऑफ हेड ऑफिस, ये बनाने हैं मुझको। आइए मेरे साथ साथ, पहले नागपुर बेटे जो सवाल में लिखा है उसको पढ़ें। वो क्या कह रहा है? कह रहा है सुनील को प्रॉफिट देंगे, सुनील को प्रॉफिट देंगे 30% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कोलकाता, और बैलेंस प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे। जो लिखा है वही करूंगा मैं, अपने मन से कुछ नहीं करूंगा। जो सवाल में लिखा है हम वही कर रहे हैं। आइए मेरे साथ साथ, और अब आप फटाफट से यहां पर तैयारी शुरू कर दें। अब मुझे क्या बनाना है? अब मुझे बनानी है जी मेन सॉल्यूशन में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स। हां जी, अब मैं हेड ऑफिस की बात कर रहा हूं। अमरावती बेटे हमें अपने पास स्टॉक के अंदर गुड्स इन ट्रांजिट अलग ही ट्रीट करना है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। करनाल, हेड ऑफिस के फाइनल अकाउंट्स यहां पर बनेंगे, यहां बैलेंस शीट बनेगी, इकट्ठा बनाऊंगा मैं। ठीक है बेटे करनाल, ठीक है सर, आओ आगे चलो। सबसे पहले खान दिखाओ, सबसे पहले पढ़ें। ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेजेस लेस रिटर्न्स 170, गुड्स सेंट 50,000, ये तीन चीजें लिख दूं? हाँ सर। तो ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेजेस 170, गुड्स सेंट 50,000, फिर उसके बाद गुड्स रिसीव्ड 65,000, सेल्स 3 लाख, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में कुछ फर्क पड़ना है क्या? हाँ, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, 28,000 माइनस 2,800, 25,200, कस्टमर अकाउंट्स जाएंगे जी बैलेंस शीट में। तो ये लीजिए मैं यहां लिखता हूं, कस्टमर्स अकाउंट आ गए डेटर्स, कितने के आ गए जी? कस्टमर्स, कस्टमर्स हो गए हमारे पास 60,000 इनर कॉलम, कस्टमर्स आ गए इनर कॉलम, उन्हें बोलना झंडे दे देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं जी कस्टमर्स के बाद है सप्लायर्स 30,000, सप्लायर 30,000, हमने डेटर्स को भी लिख दिया, सप्लायर्स को भी लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं, डेटर्स भी हो गए, सप्लायर्स भी हो गए, कहां गया कहां गया? फिर हमारे पास है बैंक का डेबिट बैलेंस, बैंक का बैलेंस हमारे पास आ रहा है 70,000, बैंक का बैलेंस आ गया 70,000। संगरूर बेटे एक्सपेंसेस 2,800 रुपए से आपने क्रेडिट किए थे, अपनी एंट्रीज चेक करिए एडजस्टमेंट की, उस एंट्री का इफेक्ट लिया है हमने, ठीक है संगरूर? अच्छा, अब हम कहां पहुंच गए थे? एक्सपेंसेस के बाद, एक्सपेंसेस पर हम आ गए थे, नहीं हमने तो बैंक भी लिख दिया था। फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस था 45,000, खान है नहीं क्या, है नहीं क्या? ओ झंडे कहां पे? अच्छा ठीक है, धन्यवाद। हां जी, हमने फिक्स्ड एसेट्स भी लिख दिए। फिर उसके बाद अगली आइटम कौन सी आ रही है फिक्स्ड एसेट्स के बाद? मुझे बताइए क्या मुझे ब्रांच अकाउंट का बैलेंस लिखना है कि नहीं लिखना? वो लिखने का फायदा नहीं होता क्योंकि वो अपने आप जीरो हो जाता है, इसलिए उसको छोड़ दिया हमने। कैपिटल, अनिल, अनिल की कैपिटल कितनी है? अनिल की कैपिटल है 53,000,
दो तीन लाइनें छोड़ देना। सुनील, सुनील की कैपिटल है 35,000, सुनील की कैपिटल है 35,000। मैंने ट्रायल बैलेंस की आइटम सारी की सारी डाल दी हैं, ट्रायल की आइटम मैंने सारी की सारी डाल दी हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं और इसमें एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। जरा हटा दूं, मैं इसे हटा दूं बेटे? हाँ सर, हटा दीजिए। आइए इन एंट्रीज का इफेक्ट डालें, जहां जहां इफेक्ट डालना था। सिरसा, एक मिनट में वापस जाता हूं बेटे। सिरसा, गुड्स इन ट्रांजिट जाएंगे बैलेंस शीट में, गुड्स इन ट्रांजिट जाएंगे बैलेंस शीट में। राजौरी गार्डन, पढ़ाई पर ध्यान दें, आलतू फालतू बात नहीं, आपको नालायकों जैसी बातें सूझती हैं हमेशा। गुड्स इन ट्रांजिट जाएंगे बैलेंस शीट में। ब्रांच जो है वो हमारे लिए बेकार है। डेप्रिसिएशन लिखता हूं अभी 5,000 रुपए। फिक्स्ड एसेट्स मैंने कम कर दिए हैं, ब्रांच को हम बाद में लिखते हैं, खर्चे मैंने कम कर दिए हैं। तो एक डेप्रिसिएशन लिखनी है, गुड्स इन ट्रांजिट लिखना है। तो आइए डेप्शन लिखें 5,000 रुपए, और गुड्स इन ट्रांजिट कितने का था? गुड्स इन ट्रांजिट 5,000 रुपए था, ये भी गुड्स इन ट्रांजिट। राजौरी गार्डन, सिर्फ क्वेरी पूछो नालायक, और बातें करनी बंद कर दो मेरे साथ। आप ये लीजिए, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब मैं आपके साथ आगे चलना चाहता हूं, सवाल में देखता हूं क्या क्या चीजें अभी रह गई हैं। सवाल में बेटे रह गया क्लोजिंग स्टॉक 46,000, क्लोजिंग स्टॉक 46,000। आपकी सहूलत के लिए झंडे लगाए हैं हमने, हैं झंडे? हाँ जी बेटे, ये देखो 46,000, एक झंडा तो इधर लग गया और एक झंडा इधर लग गया। स्टॉक 46,000, स्टॉक 46,000, वेरी गुड बेटे। मॉडल टाउन, कमाल कर दिया तुमने, स्टॉक बता दिया, बैलेंस शीट में आएगा। तुम जैसा हीरा तो मेरे पास है ही नहीं, मैं तो आज ही बेटे जा रहा हूं सूरत हीरे वाले लोगों से मिलने के लिए कि क्या तुम हीरों का धंधा कर रहे हो, मेरे पास असली हीरे पड़े हैं सारे के सारे। आओ, ये भी काम कर दिया है। अब मुझे जल्दी से बताओ जीपी कितना? हाँ जी, जीपी कितना? जीपी के लिए पहले टोटल लगाइए 396,000, 396,000। तो जीपी आ गया 131,000, 131,000, जीपी 131,000, टोटल 131,000, 131,000। प्रॉफिट निकालिए, नेट प्रॉफिट कितना आता है? करनाल बता रहे हैं 1,08,000। धन्यवाद मेरठ, करनाल, धनबाद, गिरीश पाक, 1,08,000, 1,08,000। धन्यवाद रांची, कोहाट, जबलपुर, द्वारका, मॉडल टाउन, एनआईटी फरीदाबाद, सिलीगुड़ी, रोहतक, राजौरी, अलवर, भोपाल, गुवाहाटी। इधर आइए जी, डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाइए, दिल्ली के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करिए। दिल्ली में प्रॉफिट्स आते हैं 1,08,000। मुझे फटाफट से बताओ 40% प्रॉफिट किसको देने थे? दिल्ली के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करें। हाँ, सिरसा भी धन्यवाद। चलो अनिल, 1,08,000 का 40%, 40,320 माइनस 1,08,000 जो बचा वो ये बचा, उसके डिवाइडेड बाय दो पार्ट्स, बैलेंस इक्वल 3240, तो इसका प्रॉफिट हो गया 3240 और इसका हो गया 0426508।
70 75 60। लिखो जी इसको भी अब, प्रॉफिट्स 75 60 प्लस प्रॉफिट्स 30 240। अब मुझे ये बताएं कि अब मुझे क्या करना है। पार्कन कह रहे हैं सारे बच्चे आपको किताब में से आंसर पढ़कर बता रहे हैं, ऐसा है क्या? आप सब किताब से पढ़कर आंसर बता रहे हो मुझको? ओ माय गॉड, मैं तो रो पड़ा। तुम सारे किताब में से आंसर पढ़ के बता रहे हो। खान चुप कराने के लिए आओ, खान आओ। अब मुझे बताएं, अब मुझे क्या करना है? खत्म बेटे, खत्म। अब मुझे काश का सपना लगाना है और सपने में क्या सोचना है? उसके डेटर मेरे डेटर, उसके फिक्सेट्स मेरे फिक्सेट्स, उसके आइटम मेरी आइटम। आइए जरा फटाफट से नीले पेन से लिखूंगा मैं। प्लस ब्रांच, ये एसेट्स हमारे हो गए, प्लस उसके, ये कुछ गलत नहीं हो गया, डेटर थे 68,000 तो, प्लस ब्रांच 68,000 और फिक्स्ड एसेट्स 72,000 और हेड ऑफिस आएगा नहीं, कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट एक नई आइटम आ गई 5,000 और फिर गुड्स इन ट्रांजिट 2,000 प्लस ब्रांच, फिर उसके बाद स्टॉक 54,000, फिर उसका बैंक ओडी माइनस कर देता हूं। आप ऑल्टरनेटिवली बैंक ओडी को अलग भी दिखा सकते हैं। बैंक ओडी माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया, 70 माइनस 6 64,000, 7,000, 1,00,000, 128,000, 117,000। लो जी, अलवर बैंक और बैंक ओडी को अलग अलग रख सकते हैं। और मॉडल टाउन ठीक है भाई, राजौरी गार्डन मुझे चुप करा रहे हैं। और अलवर कह रहे हैं सर हम सुबह 7 बजे से बैठे हैं, तो बेटे बैठते नहीं तो लेटते, लेटते नहीं तो बैठते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छी बात है बैठे हो, सुबह 7 बजे से खड़े नहीं हो, फिर क्या हो गया? गुवाहाटी वेरी वेरी गुड। अच्छा चलो जी आगे, अगली आइटम पर आइए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि उसके सप्लायर मेरे सप्लायर प्लस ब्रांच 50,000, बैंक ओडी लिख दिया, उसकी कैपिटल मेरी कैपिटल, कैपिटल कितनी है साहब 57,670 और उसके यहां से आई 94,530। तो अब आप फटाफट से कैपिटल्स का भी टोटल लगाना शुरू कर दीजिए, कितना कितना अमाउंट आता है जरा देखते हैं। कैश इन ट्रांजिट बेटे मैंने बीकानेर लिख दिया है, आप गलत कह रहे हैं, मैंने कैश इन ट्रांजिट ये लिखा है 5,000 रुपए। अच्छा अब मेरे साथ साथ कैपिटल देखो कितने आते, 53,000 प्लस 70,560 प्लस 57,670 185,000 प्लस 30,240 प्लस 94,530 इज इक्वल टू 159,770। और फिर उसके बाद हमारे पास और कोई आइटम बची नहीं, तो इसका टोटल लगाकर चेक कर लें एक बार, तो कितना कितना आ गया, प्लस 181,230 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 421,000। और उधर से देखते हैं उधर क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस 107,000 माइनस 64,000 माइनस 5,000 माइनस 128,000 माइनस, बिल्कुल बराबर 421,000।
अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, लेकिन भूल मत जाना अभी सवाल बाकी है। हाँ सर, अभी सवाल में कुछ बाकी रह गया है। आइए मेरे साथ साथ जरा चेक करते हैं सवाल में एक पार्ट और क्या बाकी है। हाँ जी, सवाल में एक पार्ट और भी बाकी है बेटे, बताइए पढ़िए क्या बाकी है। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट पढ़े, कह रहे हैं बच्चों बच्चों हमें बनाकर दिखाओ ब्रांच और हेड ऑफिस अकाउंट्स इन रिस्पेक्टिव बुक्स। तो आइए ब्रांच और हेड ऑफिस अकाउंट बनाते हैं, ये मांगे हुए हैं अकाउंट आपसे। अब सवाल भी तो पीछे ही पड़ गया है, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में ब्रांच अकाउंट्स, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में ब्रांच अकाउंट्स। आइए मेरे साथ साथ मुझे जरा फटाफट से बताइए, हेड ऑफिस में ब्रांच के अंदर बैलेंस आ रहा था 5000 क्रेडिट्स, बाय बैलेंस बीडी 5000। सबसे पहले इसमें कौन सी एंट्री डालोगे, एडजस्टमेंट की या इनकॉर्पोरेशन की? फटाफट से बताओ इसमें सबसे पहले कौन सी एंट्री डालोगे, जल्दी जल्दी बताएं इसमें कौन सी एंट्री। वेरी गुड, बीकानेर, मेरठ, जनकपुरी, नालायक। जनकपुरी पहले कौन सी एंट्री आएंगी, एडजस्टमेंट की, फिर इनकॉर्पोरेशन की एंट्री आएंगी। अब फटाफट से मुझे हेड ऑफिस अकाउंट देखो, मेरे पास वो दूसरी जगह चला गया है। इसमें ब्रांच अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री है, एक तो गुड्स इन ट्रांजिट की है और एक एक्सपेंसेस की है। ये ब्रांच अकाउंट डेबिट है और ये ब्रांच अकाउंट क्रेडिट है। चलो तो ये लिखता हूं मैं, बाय गुड्स इन ट्रांजिट 5000 और टू एक्सपेंसेस 2800। मैंने रिकंसिलेशन की एंट्रियां डाल दी। पार्क एंड बेटे हमें अपनी सारी एंट्रियां डालनी है। इनकॉर्पोरेशन असल में पहले एडजस्टमेंट होती है फिर इनकॉर्पोरेशन, इसीलिए हम ऐसा ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। अब आगे पीछे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉजिकली हमने ऐसा ही करना चाहिए। खान थोड़ा नजदीक चले जाए, बच्चे कह रहे हैं जबलपुर, बस। चलो अब मुझे बताएं इनकॉर्पोरेशन की एंट्रियां जो हमने करी नहीं थी लेकिन करनी, कौन से पेन से, काले पेन से हम कह रहे हैं, उसके डेटर मेरे डेटर, उसके डेटर मेरे डेटर, उसके डेटर मेरे डेटर, उसके डेटर मेरे। सर आप ना बड़े गाने मत गाया करो, आपको पता नहीं है आपकी कितनी भद्दी आवाज है, गाने ऐसे गाते हो जैसे कि किशोर कुमार के हो। बेटे हर आदमी को ये लगता है कि वो किशोर कुमार को पीछे छोड़ देता अगर वो गाने गाने शुरू हो जाता, इसलिए मेरे को भी गाने गा लेने दो। सर चुपचाप गुड्स इन ट्रांजिट लिखो 2000 रुपए। अच्छा भाई अच्छा, मैंने स्टॉक भी लिख दिया 54,000 रुपीज। लो जी मैं यहां तक कर लिया है। हाँ मॉडल टाउन कह रहे हैं आपकी आवाज आशा दीदी जैसी है। वेरी गुड बेटे, ये फटी हुई आवाज भी आशा दीदी जैसी है, तो तुमने मेरी खिंचाई नहीं करी, आशा दीदी की इंसल्ट कर दिया आपने। उसकी इतनी सुरीली आवाज है, तुमने किससे तुलना कर दी, कोयल की कौवे के साथ। आओ मेरे साथ साथ चलें जरा अगली आइटम की बात करते हैं। जरा मेरे साथ साथ इसकी आइटम को देखें, टू बैंक ओडी 6000 टू सप्लायर 50,000 टू अनिल 57,670 सुनील 94,530। आइए मैंने यहां तक कर लिया है। हे प्रभु ये टैली हो जाए, अगर सब काम ठीक किया होगा तो टैली हो जाएगा। मैं तो टोटल लगा नहीं रहा, बच्चे ही बताएंगे टोटल क्या आ रहा है। टोटल वेरी गुड 363,200।
अरे बीकानेर, आपने ये आंसर भेजा है और नालायक आपका आंसर गलत है। बताओ 211,000, 211,000 ये लीजिए। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ सर, अब क्या रह गया है? अब रह गया है आखिरी का काम, उसके बाद सेवा भाव भी रहती है। ये हम आ गए कहां पर? ये आ गए जी हम बुक्स ऑफ ब्रांच। सर ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं? देखो बेटे ऐसे सवाल अब एग्जाम में नहीं आते, बट ये ऐसे सवाल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, क्योंकि इसमें सारी की सारी चीजें आ गई। ये अकाउंट आ गया, बैलेंस शीट आ गई, ब्रांच आ गई, प्रॉफिट आ गए, ट्रेडिंग आ गए, टोटल कॉलम बना दिया, एडजस्टमेंट आ गई, रिकंसिलेशन हो गई, इसलिए सब चीजें आएंगी। करनाल टोटल कॉलम मैंने भी बनाना है, लास्ट में बनाऊंगा, और सेवा भाव है। और पार्क एंड एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल बेटे कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप इसे कर लेंगे तो सारे सवाल छोटे छोटे लगना शुरू हो जाते हैं। आइए मेरे साथ साथ हेड ऑफिस की बात करते हैं। हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस था 17,000 डेबिट टू बैलेंस बीडी 17,000। पहले मैं नीले पेन से क्या लिखूंगा जरा फटाफट से? कोहार्ट इनक्लेव, कोहार्ट इनक्लेव में नकुल अग्रवाल बैठा है जो कि सबसे बड़ा नालायक है। ये बताओ यहां पर नकुल क्या एडजस्टमेंट आनी चाहिए? इनकॉर्पोरेशन क्या आनी चाहिए कि हेड ऑफिस क्या आनी चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। जरा फटाफट से देखो मेरे साथ साथ, यहां पर मैं आता हूं और मुझे बताइए एडजस्टमेंट की एंट्रियां जो कि ब्रांच के एंड पर चाहिए, इनको देखते हैं। पढ़ो जरा फटाफट से, कैश इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस तो हेड ऑफिस क्रेडिट होगा, गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस क्रेडिट होगा, एक्सपेंसेस टू हेड ऑफिस क्रेडिट होगा। तीनों चीजें क्रेडिट की हैं, कैश, गुड्स और एक्सपेंसेस। याद कर लिया मैंने कैश, गुड्स और एक्सपेंसेस। अब मैं भूल ना जाऊं फटाफट से, कैश गुड्स और एक्सपेंसेस अमाउंट था इसका, शायद अमाउंट भूल गया, इसका अमाउंट था 5,2,2800। लो भाई मैंने ये भी लिख लिया है। इसके बाद क्या आएंगी? इनकॉर्पोरेशन की एंट्रियां। हमारे यहां से सामान जा रहा है, जा रहा है यहां से कौन? सबसे पहले तो डेटर, जाओ भैया डेटर हमें छोड़कर चले जाओ, जाओ भैया फिक्स एसेट तुम भी हमें छोड़कर चले जाओ, जाओ भाई जाओ कैश इन ट्रांजिट तुम भी चले जाओ, जाओ भाई जाओ गुड्स इन ट्रांजिट तुम भी हमें छोड़कर चले जाओ, जाओ भाई जाओ स्टॉक तुम भी हमारे यहां से चले जाओ, जाओ भाई जाओ बैंक ओडी तुम भी चले जाओ, जाओ भाई जाओ सप्लायर जी तुम भी चले जाओ। सर आप बार बार क्यों बोलते हो इन बातों को? जिससे आपके दिमाग में चला जाए कि यहां पर हमारा सामान जाने की एंट्रियां हो रही हैं और वहां पर एंट्रियां आने की होती हैं 94,530। और अगर आपने सारा आना जाना ठीक किया होगा तो ये टैली कर जाएगा। ओहो बच्चे कह रहे हैं हम भी जा रहे हैं, कमाल है। मैंने आपको थोड़ा ना कहा था चले जाओ। 2,18,000, वेरी वेरी गुड। लेकिन पहले नाम देख लो किसने बताया। संगरूर, हरिद्वार, फरीदाबाद, मेरठ, रोहतक और बस इतने ही नालायकों ने बताया। 218,000। अभी सवाल खत्म हुआ नहीं है। मुंबई बोरीवली में एक बच्चा जो था उसने तो अपना सर दीवार के साथ टिका दिया है।
कह रहे हैं साहब बहुत मुश्किल है, जब आपको कहा था सीए में मत जाओ तो आप छाती पीट कर कहते थे मैं करूंगा सीए कहते थे। लोगों ने कहा था बड़ी मेहनत है तो आप क्या कहते थे, डरता नहीं मेहनत से मैं। आज वो दिन आ गया है कि मेहनत करके दिखा डालो, आज प्रूव करने का समय आ गया अपने उन सब रिश्तेदारों और दोस्तों को दिखाने का कि आप मेहनत कर सकते हैं, इसलिए सीधे बैठे। अभी सवाल में एक काम बाकी है, अब क्या बाकी है, सेवा भाव। ये लीजिए, ये टोटल का कॉलम बनाया था, पूरा थोड़ा ना करा है। और मुंबई थाने आपकी बेटे क्वेरी थी यहाँ पर कि सर हमारे पास यहाँ पर आइटम्स के अंदर टोटल के अंदर गुड्स इन ट्रांजिट कैसे आएगा। हाँ पार्क एंड बेटे, तुम ये पॉइंट तो समझो ना, पार्क एंड बेटे अच्छे से समझना है। जैसे सबसे आखिरी में एक येलो टी शर्ट में बच्चा बैठा है पार्क एंड में, जैसे वो श्रद्धा भाव से पढ़ रहा है वैसे पढ़ना है आपने, ठीक है ना। बिल्कुल, अब उसने बातें करनी शुरू कर दी है, उसने कहा मैं बातें कर लूं जरा फटाफट, बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। आओ जरा इधर देखें, अब इन्हें जोड़ो, टक 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 टक, इन्हें भी जोड़ते जाओ, टक 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 टक, ये सब जुड़ते जाएंगे। अच्छा, वेरी वेरी गुड। लेकिन संगरूर कह रहे हैं 4 बज गए लेकिन क्वेश्चन अभी बाकी है। हाँ 4 बज गए लेकिन क्वेश्चन अभी बाकी है। यही जीवन है साहब, 4 बज गए लेकिन क्वेश्चन अभी बाकी है। आइए मेरे साथ साथ, लेकिन शाम के 4 बजे हैं, सुबह के नहीं बजे हैं। आइए अब मैं इन्हें मिलाऊंगा, मुझे ओपनिंग स्टॉक का टोटल बताओ, ओपनिंग स्टॉक का टोटल बताओ। मैं कौन से पेन से लिखूं, हरे पेन से लिखूंगा मैं 70,000। दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा मेरे ख्याल से, तो मैं रेड पेन से लिखता हूं 70,000। ओके, ये हमने लिख दिया है। परचेजेस का टोटल लगाओ बेटे, परचेजेस का टोटल 260 प्लस 170 430। बेटे जीपी का टोटल लगाओ 126 प्लस 131 257। आइए जी, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने ये सब लिख दिया, अब आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ मैं लिखूंगा, आप नहीं लिखेंगे। इनका टोटल लगाइए 48,000 प्लस 65,000, आप नहीं लिखेंगे 113,000। आप नहीं लिखेंगे बेटे, सिर्फ मैं लिखूंगा, हो गया। इधर भी बताओ 120,000, इनका टोटल 6,50,000 और 1,00,000। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं साहब, टोटल कॉलम चाहिए था, हमने टोटल कॉलम बना दिया, हमने टोटल कॉलम बना दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना इन्हें जोड़कर। लेकिन बेटे जब टोटल कॉलम बनाया तो एक चीज पाई कि ये तो कट सकता है ना, गुड्स सेंट गुड्स रिसीव्ड, ये तो कट सकता है। बताइए साहब, गुड्स सेंट जो है 120 के वही तो रिसीव होंगे 120 के, लेकिन ये क्या, सेंट थे 120 के, रिसीव्ड है 113 के, तो इसका मतलब मैं यहां से कॉन्ट्रा कर देता हूं, मैं 113 यहां से हटा देता हूं, 113 यहां से हटा देता हूं। अब मैंने 113 हटाए तो यहां कितने बच गए 7,000, दैट इज कॉल्ड गुड्स इन ट्रांजिट, बाय गुड्स इन ट्रांजिट। मुंबई थाने आप कह रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स इन ट्रांजिट कैसे आता है, बेटे वो इस तरह से आता है। मेरी बात फिर से सुने, हालांकि कई बच्चों को पता चल गया, मैंने क्या किया है, मैंने आपसे कहा है ऐसे, मैंने कहा देखो बेटे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर
यहां पर लिखा हमने 113,000 गुड्स रिसीव्ड, यहां लिखा गुड्स सेंट 120। बेटे क्या मैं यहां से 113 हटा दूं और 113 हटा दूं तो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, जरा बताइए। क्या मैं दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट कर दूं तो चल जाएगा? ये आपके पास टोटल आ रहे थे, मैं दोनों साइड से, क्योंकि 120 तो घट नहीं सकता, मैंने इनमें से दोनों साइड से 113 घटा दिया, तो ये तो हो गया जीरो और ये हो गया 7,000। और जो ये 7 है ये हमेशा गुड्स इन ट्रांजिट वाला ही होगा, जो आपके पास अपने आप आ जाता है, मुझे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। मुंबई थाने आ गया बेटे गुड्स इन ट्रांजिट, यानी ये इस तरह से मैकेनिज्म है इसका। तो मेरे साथ साथ फिर से देखें, ये टोटल कॉलम की ब्यूटी है। टोटल कॉलम ऐसे बनता है, टोटल कॉलम इसीलिए सिखा रहा था। और आपको क्या लगता है कि टोटल कॉलम बनाने के पीछे वजह क्या थी? सिर्फ ये बात समझाने के लिए कि इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल जितना कट सकता है काटो। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये लिख देंगे निल, ये लिख देंगे निल, और यहां लिखेंगे 7,000 गुड्स इन ट्रांसिट, बस ये काम करेंगे। ऐसा सवाल में किया जाएगा, बोलो समझ में आ रही है बात? इसके आगे तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसके आगे तो टोटल ही टोटल है। 757,000, 757,000, 257,000, 257,000 और इसका टोटल 13,000 और इसका टोटल 25 और 42 कितना होगा? 000, ये हो गया 6 और 1 7, 67,000। इसका टोटल आएगा 177,000, ये आएगा 257,000। ये बन गया टोटल का कॉलम, कि टोटल कॉलम इस प्रकार से तैयार होता है। कानपुर मॉल रोड बेटे, कि इधर का भी मैंने टोटल हटा दिया, इस इधर से मैंने 113 हटा दिए, इधर से भी 113 हटा दिए, लेकिन यहां का टोटल 120 था, यहां का टोटल 113 था, ये तो हट गया, ये नहीं हट पाया, तो जितना नहीं हटा दैट इज ड्यू टू गुड्स इन ट्रांजिट, इसलिए ऐसे होता है। अच्छा, अब मैं आपसे, वो बच्चे कह रहे नहीं सर कुछ पता नहीं चला ये क्या हुआ, फिर से देखो बेटे, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, इसमें लिख दिया 113,000 गुड्स रिसीव्ड और इसमें लिख दिया गुड्स सेंट, गुड्स सेंट, छोड़ो माइनस करने की टेक्निक को छोड़ो, नहीं चाहिए माइनस करने की टेक्निक, मैं आपसे रीड कराने की बात कर रहा हूं। ये कह रहा हूं कि मेरे यहां से गुड्स चले कितने थे, चले थे यहां से 120, लेकिन मिले कितने हैं मुझको 113। तो इसका मतलब जो चले और मिले वो कितने गुड्स हैं, जरा बताइए, जरा फटाफट से ग्वालियर सोचे। अगर बेटे गुड्स चले, चले और वहां पहुंच गए, चले थे 120,000, 120,000 पहुंच गए 113,000, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसे कॉन्ट्रा करना चाहता हूं। मैं कहता हूं साहब 113 यहां पर, ना यहां से चले और ना यहां पर पहुंचे, तो यहां सिर्फ चले कितने 7 जो वहां पहुंचे नहीं, सिर्फ ये दिखाने का प्रयास है और कुछ नहीं है। वेरी गुड, झांसी कह रहे हैं 113 चले और मिले कट गए और 7 चले और मिले नहीं इसलिए बच गए। वेरी गुड बेटे झांसी, आपने कितनी अच्छी बात बताई है। मुंबई थाने, मुंबई थाने बेटे, जब आप लिखते हो ना यहां पर अपने पास इन अकाउंट्स में, तो जब आप गुड्स सेंट लिखते हो तो बेटे इसमें गुड्स इन ट्रांजिट अपने आप छुप जाता है, इसलिए हम अलग से नहीं लिखते। आप कह रहे हैं यहां पर क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इन गुड्स में ऑलरेडी गुड्स इन ट्रांजिट छुपा हुआ है। जब मैंने गुड्स सेंट लिखा है तो दिस इंक्लूड्स गुड्स इन ट्रांजिट, हेंस आई नीड नॉट शो दैट गुड्स इन ट्रांजिट अगेन। और जब आप कंसोलिडेट करते हो तो अपने आप वो चीज छट के बाहर हो जाती है, इसलिए हम लोग लिखते नहीं है। समझ में आती है बेटे? हाँ, क्या राजौरी गार्डन बोले, कह रहे हैं बोलो बेटे बोलो, क्या बोले इसके अंदर? अच्छा,
जबलपुर कह रहे हैं सर हमारा तो दिमाग अब बंद हो गया है। जीआईटी का डिफरेंस इंडिविजुअल नहीं, पार्कन बेटे जीआईटी का इंडिविजुअल बैलेंस शीट में टोटल आपको यहां से पता चलेगा। बैलेंस शीट में देखें, ये लिखा है गुड्स इन ट्रांजिट और उसकी बैलेंस शीट में लिखा मिल जाएगा अपने पास, सौ में आती है। हाँ जी पीतमपुरा आप कह रहे हैं इधर क्यों नहीं आया, देखो बेटे पीतमपुरा 70,000 के गुड्स में से उसे मिले कितने हैं 65,000, तो इसमें अपने आप आ तो गया गुड्स इन ट्रांजिट, इसमें अपने आप गुड्स इन ट्रांजिट आ गया, मुझे कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। चंडीगढ़ हमें कटिंग कुछ नहीं करनी है, जब आपने इनके टोटल लगाने तो इसका टोटल लगा लो 113, बाहर मत लिखो, इसके टोटल में से 113 घटाकर सात अलग लिख दो, दैट्स इट, कोई लंबी चौड़ी बात तो है ही नहीं। अच्छा हाँ अनशन जो कह रहे हैं हम अनशन करेंगे तो अनशन भी कर लेना नालायको, बच्चों ने छुट्टी मांगी और सर ने छुट्टी नहीं दी, अरे कैसी कैसी बात करते हो बेटे, दिल मांगा होता तुमने मांगी भी तो क्या। अच्छा हाँ हरिद्वार कह रहे हैं आप हमारी जान ले रहे हो, आप तो हमेशा कहते थे कि आप हमारे लिए जान दे सकते हो और आज तो लिए जा रहे हो, मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या, बोलो ना। हाँ हाँ सर होमवर्क दो सर, ठीक है तो आप होमवर्क के अंदर सवाल करके लाएंगे, कौन कौन से सवाल करके लाएंगे मैं आपको फिर उन्हें कराऊंगा अभी क्लास के अंदर, तो आप लिखें जरा फटाफट से जो क्वेश्चंस आपको घर से करके लाने हैं, ये लीजिए लिखें क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, बस और कुछ नहीं। कितने बोले मैंने, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30। हम आपको इन्हें थोड़ा सा अगली क्लास में, जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं मैं वो आपको अगली क्लास में थोड़ा सा होमवर्क समझाऊंगा भी, तो आप अपना होमवर्क करके लाएंगे और क्लास के अंदर भी लेकर आएंगे ताकि मैं चेक करके आपको बता सकूं कि आपका होमवर्क के सवाल ठीक हैं या गलत हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल से बस इतना बहुत है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, तो हम आज इतना ही करेंगे और बाकी चर्चा करेंगे आपके साथ हम अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ, अब तो आज शनिवार है, आपकी तो कल छुट्टी भी है, अब तो दो दिन बाद मिलना है आपने, तो हैव अ नाइस वीकेंड, अपना अच्छे से वीकेंड बनाना जिसके अंदर अच्छे अच्छे पढ़ाई करना, ठीक है। तो हम दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बाय बाय।